लग रहा था कि हम एक एक शब्द को समझ रहे साइक्लोपीडिया निकाल कई वॉल्यूम
आइए आप लोग हॉल में बिरन जी चलिए हॉल में लेकिन उसके जो है व्यू के पत्थर आप कहिए तो यही है यार समझ लीजिए व्यू आपकी इतनी मजबूत ऊपर हिलता है तो फिर अपना ये इनको बताइए आपका कौन सा बैग है बैग नहीं है बेटा एक फाइल होगी फाइल को पधार रहे हैं आप लोग सब रो रहे हैं कि आप खड़े होकर करतल ध्वनि से हमारे मंडलाधर जी का स्वागत करें राजेश जी से अनुरोध करूंगा कि मैं कंचन भाभी को आप आगे सुभा स्थान दे और मंडलाध्यक्ष जी को आप सीधे डायस पर आगे ले मंडलाध्यक्ष जी से अनुरोध है कि आप डायस पर अपना स्थान ग्रहण करें साथ में हमारे क्लब के अध्यक्ष सतीश चंद जैन जी सचिव सुरेश खंडेलवाल भाई साहब जी से अनुरोध है कि आप डायस पर अपना स्थान ग्रहण करें मैं आज की सभा में डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के श्रीवास्तव जी कंचन भाभी जी रोटरी क्लब माँ परिवार में आपका स्वागत पुनः अभिनंदन कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने क्लब के सर्जक एडाम रोटरी राजेश भार्गव जी से अनुरोध करूंगा कि आप कॉलर पहना के इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं नहीं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के रूप में हमारे बीच में असिस्टेंट गवर्नर मेंबरशिप देवेंद्र भैया मौजूद हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि अब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब को कॉलर पहना के इस औपचारिकता को पूरा करें देवेंद्र भैया सर्जेंट एट आर्म राजेश भार्गव जी से अनुरोध करूंगा कि आप अध्यक्ष को आज की कार्रवाई शुरू करने का निर्देश मैं राजेश भार्गव रोटरी क्लब प्रेसिडेंट सतीश संजन जी से आग्रह करता हूं आज की कार्रवाई शुरू करने की घोषणा करें मैं आज की सभा शुभारंभ करने की घोषणा करता हूं आप सभी लोग से अनुरोध है कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं
धन्यवाद। अब एक शुभ कार्य की शुरुआत भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन से होती है। मैं अनुरोध करूंगा मंडलाध्यक्ष जी को, फर्स्ट लेडी कंचन भाभी जी को, अध्यक्ष जी को, सचिव को। हमारे बीच बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे भूतपूर्व मंडलाध्यक्ष हरिमोहन शाह जी उपस्थित हैं। कृपया आप लोग दीप प्रज्वलन में आए। हमारे बीच में असिस्टेंट गवर्नर फाउंडेशन राजीव जोपुरिया जी हैं, असिस्टेंट गवर्नर मेंबरशिप डेवलपमेंट देवेंद्र भैया जी हैं। कृपया आप लोग भी आए सामने और दीप प्रज्वलन में आप सहभागिता करें अपनी। भैया हमें तो दीप जलाने का मौका जीवन में नहीं मिला जब मैं अध्यक्ष बना। बहुत बड़ा ऑनर है ये चीजें और बड़ा अच्छा लगता था इस बात को करना। मंडलाध्यक्ष जी से अनुरोध है कि हमारे क्लब के चार्टर का माल्यार्पण कर उनका भी सम्मान करें। चार्टर पर अध्यक्ष जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप चार्टर पर स्वागत के इस क्रम में हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे भूतपूर्व मंडलाध्यक्ष श्री हरिमोहन शाह जी का। मैं अनुरोध करूंगा आईपीपी इंद्रसेन सिंह भाई साहब को आपको स्टोल और माल्यार्पण कर आपका स्वागत करें। असिस्टेंट गवर्नर फाउंडेशन राजीव भैया, संजय श्रीवास्तव जी हमारे सहायक मंडलाध्यक्ष हैं, कृपया आप आगे आए। और मैं अपने नए मेंबर अतुल भारोटिया जी से अनुरोध करूंगा कि आप इस शर्मा जी का आपका मान्यवरों का स्वागत करें। सनराइज से पधारे हुए डॉक्टर ए के घोष जी, रोटरी क्लब रेणुपुर से पधारे हुए हमारे परम मित्र संजीव सुधी सन्यास जी सौभाग्य से आज इस सभागार में उपस्थित है। राजेश जी से अनुरोध करूंगा कि आप कार्यक्रम को गति देते हुए मैं अनुरोध करूंगा हमारे अध्यक्ष रोटरी सी ए सतीश संजैन जी को, वो अपना अध्यक्षीय भाषण दे। अभिनंदन
सवेरे सवेरे इतने लोगों को देख के वास्तव में इतना आनंद आ रहा है, ऐसा मौका कम होता है कि रोटरी की मीटिंग हो और समय पे इतनी अच्छी अटेंडेंस हो। आप सभी के लिए बहुत बधाइयां। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ, मैं आज के अपने मुख्य अतिथि रोटेरियन के श्रीवास्तव जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3120 और रोटेरियन कंचन भाभी, आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन अपने क्लब परिवार की ओर से, सदस्यों की ओर से, पूर्व अध्यक्षों की ओर से और अपनी ओर से आपका स्वागत अभिनंदन। पार्श्वनाथ भगवान की जन्म स्थली वाराणसी में स्थित इस पार्श्वनाथ विद्यापीठ में, जो कि जैनिज्म में रिसर्च के लिए जानी जाती है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, बहुत बहुत दिल से आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच में बहुत अच्छा लग रहा है हरिमोहन शाह जी, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, आपको देख के सीखने की बात है, आपसे इतनी पंक्चुअलिटी से आप यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपका स्नेह हम लोगों को हमेशा मिलता रहता है जब हम लोगों ने चाह, बल्कि सुरेश जी तो बहुत अधिकार के साथ बोलते हैं कि हम हरिमोहन शाह जी से कहेंगे, वो जरूर आएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में एजी देवेंद्र मोहन गुप्ता जी और राजीव जयपुरिया जी, हम लोगों ने इतनी जूम मीटिंग की है कि अब कोई अपरिचित लगता ही नहीं है। मैं कंपेरेटिवली नया रोटेरियन हूँ तो फिर भी अपरिचित नहीं लगते हैं, लगते हैं सब अपने हो गए हैं, जूम पे इतना साथ में रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। संजय श्रीवास्तव जी भी साथ में इस समय हैं, ए जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अतुल जी ने जैसा भी बताया कि रेणुकूट से भी कोई आए हुए हैं, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और विशेष स्वागत वास्तव में जो अच्छा लग रहा है, हमारे क्लब के जो नए मेंबर इस साल बने हैं वो काफी संख्या में हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। अतुल बालोटिया जी और सुभाष जैन जी, आतिश अग्रवाल, एक से एक नए मेंबर, अरविंद जायसवाल जी, विजय केसरी जी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ, विजय केसरी जी आज आपको नए मेंबर की हम लोग को पिन पहनाएंगे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेडीज में आए हमारी नए मेंबर रुचि भार्गव, श्रीकला अनिल किंजवाड़ेकर, विनीता जवान जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। इतने अच्छे संख्या में लेडीज मेंबर्स भी हम लोग के क्लब में आई हैं, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का सबका विशेष रूप से, हम लोग का तो रूटीन है करेंगे ही, लेकिन आप लोग की जो उपस्थिति है समय से है, दिल खुश हो गया आज सवेरे देख के आप लोगों को, सभी को लगता है कि मीटिंग काफी हद तक सफल हो गई। हमारे सुरेश भाई साहब जो साथ में लगे रहते हैं, आपका भी धन्यवाद। और हम सबके अजीज एक धन्यवाद जरूर देना चाहूंगा, रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के हर प्रेसिडेंट और हर सदस्य को अपने अनुभव से सहयोग देने वाले हमारे पास प्रेसिडेंट अतुल जायसवाल जी, आज की पूरी जिम्मेदारी को आपने निभाया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। एक्टिंग सार्जेंट एट आर्म्स का रोल कर रहे हैं भार्गव जी, राजेश भार्गव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन, थैंक यू। डीजी सर, दिसंबर 2020 सुरेश जी ने अपने घर पे बुलाया, मैं बहुत इनएक्टिव रोटेरियन था, सुरेश जी ने अपने घर बुलाया डिनर के लिए, 2019 और घेर घार के माला पहना दी गई। लगता है मुझे रोटरी के विडंबना हो गई कि घेरना पड़ता है। उस समय मुझे लगता था कि मैं बहुतों का फोन ही नहीं उठा पाता हूँ, अपने काम से ही इतना व्यस्त रहते हैं, कैसे करेंगे, लेकिन शायद भगवान ने सुन ली, अब कोरोना काल आ गया। 25 मार्च को कोरोना डिक्लेयर मोदी जी ने किया, अगले दिन हम सुरेश जी ऑफिस में बैठे थे, दो दिन के अंदर हम लोगों ने, हमें मुझे लगा ये हफ्ते भर की बंदी है, इसका पूरा उपयोग कर लेना चाहिए, दो दिन के अंदर हम लोगों ने अपने साल भर का बजट और प्रोग्राम बनाया
कि ये ऐसे ऐसे करना है। हमारे प्रदीप जालान जी जो बहुत मजाकिया भी हैं स्वभाव से, परमानेंट ट्रेजरार हैं नॉर्थ के, उन्होंने कहा सतीश जी कम से कम 5 लाख का घाटा होगा। लेकिन प्रोग्राम बन गया, कोरोना काल कंटिन्यू हो गया, पैसा बच गया। बहुत अध्यक्ष लोग खुश हैं इस बार, उनकी जेब से पैसा नहीं लगा। आने वाले अध्यक्ष सोच रहे हैं यार कोरोना फिर से आ जाता तो अच्छा होता। खैर, हम लोगों ने प्लानिंग की। हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट इंद्रसेन सिंह जी, जिन्होंने कि नॉर्थ को एक नई ऊंचाइयों पे पिछले साल पहुंचाया था, तो उन्होंने काफी हमको मुझे जिम्मेदारियां दी, हम लोगों ने निभाया। कुछ कुछ आदत हो गई मार्च से ही जूम मीटिंग करने की उसी पीरियड में, तो वो कंटिन्यूड रहा पूरा जून, जो कि चला है दिसंबर तक। दिसंबर तक हम लोग कोई अपनी फिजिकल मीटिंग नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी सारे नए मेंबर आपस में जूम के माध्यम से भी इतना अच्छा लोगों को पहचानने लगे। हम लोगों को लगा कि फेलोशिप जो मैंने अपना मंत्र दिया था कि फेलोशिप फर्स्ट, वो शायद पूर्ण हो गई। इस साल जब जनवरी 1 जनवरी से हम लोगों ने फिजिकल मीटिंग शुरू की है, उसका आनंद ले रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। मेरा अपना ये सोचना मानना है कि यदि फेलोशिप अच्छी होगी तो सारे चैरिटेबल प्रोजेक्ट अपने आप हो जाएंगे। इसी मंत्र के संग हम लोगों ने शुरू की थी अपनी पूरी पूरी प्लानिंग और उसको कंटिन्यू किया। फ्रेंड्स, जब मैं रोटरी ज्वाइन किया तो मुझे एक चीज बहुत बोर करती थी और कभी जाने की इच्छा नहीं करती थी रोटरी मीटिंग में, वो थी भाषणबाजी। जब जाओ तो डायस पे बैठ गया, 2 घंटे 3 घंटे भाषण चल रहा है, अब बोर होते थे यार क्या बोले चले जा रहे हैं, उनको मजा आ रहा है रोटेरियंस को, नए मेंबर एज ए न्यू मेंबर बड़ा बोर करता था। तो आज मैंने भी, अब मैं भी वही करने जा रहा हूँ, भाषणबाजी ही कर रहा हूँ। लेकिन हम लोगों ने इसको देखते हुए मैंने आज के इस प्रोग्राम को 2 पार्ट में इसीलिए कर दिया, जितनी भाषणबाजी करनी है सवेरे कर लो, शाम को सिर्फ एंजॉयमेंट करेंगे। आप लोगों से सभी से अनुरोध है कि शाम को जरूर पहुंचे, बहुत अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है। रत्नेश जैन हमारे नए मेंबर हैं, वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने काफी कुछ किया है इस दौरान जूम के माध्यम से, जो मेरा उसी समय का हम लोगों ने सदुपयोग किया, काफी कुछ किया। मैं पीपीटी के माध्यम से उसको दिखाना चाहता हूं अपने डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब को कि क्या क्या हम लोगों ने किया। और ये जो किया, जब माला पहनाई दी गई थी तो मैंने एक चीज जो सोची, मैं उसको 2 लाइन में कहना चाहता हूं कि जब अब बन ही गए हैं तो फिर क्या करें, थोड़ा सा बचपन साथ रखिए, जिंदगी की शाम में उम्र महसूस न होगी सफर के इस मुकाम में। मैं डीजी साहब से अनुरोध करूंगा कि हम लोग अपने जो कार्य मैंने किए हैं उसको पीपीटी के माध्यम से दिखाना चाहता हूं, तो आपके बैठने की व्यवस्था यदि आगे सोफा पे कर दें तो अच्छा रहेगा। हो सकता है कुछ सदस्यों के लिए शायद बोरिंग हो, लेकिन अब ये मजबूरी है, मैंने हम लोगों ने नॉर्थ के सारे मेंबर्स ने मिल के किया है तो दिखाना पड़ेगा। इस साल हम लोगों ने रोटरी नॉर्थ ने अपना एक लोगो एडॉप्ट किया, साथ में फ्लैग भी किया जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है, और हम लोगों ने अपने मेंबर्स के लिए एक पिन भी बनाई स्पेसिफिक रोटरी नॉर्थ के लिए। ये हमारे ऑफिस बेयरर्स हैं इस साल के, ये इंस्टॉलेशन चूंकि फिजिकल नहीं हो पाया था तो हम लोगों ने न्यू ईयर में ही कुछ कोशिश की कि इंस्टॉलेशन और न्यू ईयर दोनों का मजा लिया जाए। 2 मिनट की ये फिल्म है, ये मैं दिखाना चाहता हूँ। इस नए साल के स्वागत के अवसर पर हम रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के अध्यक्ष रोटेरियन सतीश जैन जी एवं उनकी टीम का परिचय आप लोगों से करवाते हैं। अभी तक हम सब
मेरे सतीश जैन जी को जूम पर ही देखा है, रूबरू मिलने का मौका आज मिला है। COVID-19 पैंडेमिक के कारण सभी लोग ऑनलाइन से जुड़ करके सतीश भैया को देखते थे, उनकी बातें सुनते थे, लेकिन आज हम सब उन्हें अध्यक्ष के रूप में पहली बार रूबरू होने जा रहे हैं, वो भी अपनी टीम के साथ। तो उपस्थित हो रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ की 2020-21 टीम। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आरसीबी नॉर्थ की टीम जब अंदर आए तो कृपया खड़े होकर ताली बजाकर का जुलाई के महीने में हम लोगों ने किए। पहला था इंस्टॉलेशन सेरेमनी, इसमें हमारे चीफ गेस्ट थे डीजीपी लखनऊ से जूम के माध्यम से जुड़े थे, और हमारे पीडीजी सीए बलदेव दास दुराती जी जो हम लोग के गुरुजी भी हैं। ये कुछ उसकी फोटोज हैं, मैं बहुत तेज चलाऊंगा। सेकंड प्रोग्राम हुआ था हमारा
जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ वन बेल्ट रोड वन बेल्ट। बहुत अच्छा बोले थे अजय कृष्णनाथ जी। आज उनकी वाइफ हमारे यहाँ मेंबर बनी है, आज इस समय लगता है नहीं। और इसके कन्वीनर थे हमारे वाइस प्रेसिडेंट रोटेरियन डॉक्टर अनूप मिश्रा जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था हम लोगों का, ये कई क्लब मिलके हम लोगों ने इसको किया था, इसकी कुछ फोटोग्राफ झलकियां। नीचे ही संस्कृत भारती का सेंटर चलता है, संस्कृत भारती वाले बोलते हैं 14 दिन में आपको संस्कृत बोलना हम सिखा देंगे। हम लोगों ने 45 मिनट में थोड़ा बहुत सिखाने की कोशिश की थी, उसकी एक झलकी। बड़ा अच्छा सुंदर प्रोग्राम हुआ था। रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल की लीडरशिप में एक प्रोग्राम हुआ था, लेट्स टॉक अबाउट साइबर सिक्योरिटी। बॉम्बे से आए थे इसके जो गेस्ट स्पीकर थे सचिन डेडिया जी। बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, आज के इस जमाने में इसकी बहुत जरूरत थी। हमारे क्लब की ओर से सिद्धार्थ मुखर्जी जी आज के कर रहे थे। इसी बीच हमारे रोटरी क्लब रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3120 के सचिव दीपक अस्थाना जी आए। दीपक अस्थाना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हर प्रोग्राम की हम लोगों की हर महीने मीडिया ने भी बहुत अच्छी कवरेज दी। आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें इसको दिखाया गया है। इसके बाद जैसा कि अभी हम लोगों ने नीचे देखा, हर्बल गार्डन जो हम लोगों ने किया, उस पे हमने एक सेमिनार भी किया था और उसके कन्वीनर थे हमारे बड़े पुराने रोटेरियन साथी अनूप अग्रवाल जी, बैठे हुए मीटिंग में है। थैंक यू अनूप जी। इसमें हम लोगों ने एक सेमिनार भी किया था नीचे कि इसके इन पौधों को कैसे यूज किया जाए, उसके एक्सपर्ट्स आए थे, उन्होंने सारा बताया था यहाँ पे। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, कई क्लब मिलके किया था, रोटरी वृंदा भी थी साथ में और भी कई क्लब साथ में थे। अगस्त का महीना आया, 6 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने किए अगस्त के महीने में, बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम। रिटायर्ड डीजीपी केरला, केरला कैडर के एनसी अस्थाना जी आए थे और उन्होंने ओपन हाउस किया था, सक्सेसफुल प्रोग्राम था। 100 की उस समय जून की हम लोगों ने कैपेसिटी ले रखी थी, बाद में लोगों के फोन आ रहे थे हम कैसे ज्वाइन करें, कर नहीं पा रहे। बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम था, 3 घंटा मीटिंग चली। डीजी सर, हम लोग के प्रोग्राम की खासियत रही है 3-3 घंटा जून पे मीटिंग चलती थी और लोग छोड़ के नहीं जाते थे। ये भी उसी में से एक प्रोग्राम था, वन ऑफ द लीडिंग, मुझे जो लगता है बहुत सबसे अच्छा प्रोग्राम ये लगता है। और खुल के जवाब दिया सबका, जहां से लोगों ने जिस मैटर पे पूछा उसका जवाब दिया। 9 अगस्त चार्टर डे मनाया गया था, उसमें आप भी थे हम लोगों के मुख्य अतिथि के रूप में। और देखिए जूम पे कैसे कमाल हो सकता है, वो करके दिखाया इस प्रोग्राम की कन्वीनर रोटेरियन रुचि भार्गव जी ने। रुचि भार्गव जी हम लोग के बीच में है, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया प्रोग्राम इतनी तैयारी के साथ में किया, एक एक प्रेसिडेंट के ऊपर फिल्म बनाई, उसको दिखाया, उसको डिस्क्राइब किया। ये भी प्रोग्राम मुझे लगता है 2-2.5 घंटे चला और करीब 72 मेंबर्स हम लोग के इसमें जुड़े हुए थे। बहुत 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 धन्यवाद आपको रुचि भार्गव जी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था ये। हमारे हमारी मेंबर रोटेरियन पंकजा जी ने इस प्रोग्राम को अपने आप पूरा प्रोग्राम इसको इसको बनाया और चलाया। स्वाधीन भारत की अविस्मरणीय गाथाएं 15 अगस्त के दिन किया गया, तो ऐसी ऐसी क्लिपिंग्स उन्होंने निकाल के दिखाई और पूरी नरेट करके स्टोरी सुनाई। बहुत बढ़िया प्रोग्राम किया था हम लोगों ने 15 अगस्त के शुभ अवसर पे। पंकजा गुप्ता जी शायद है नहीं, उनको बहुत अच्छा, पंकजा गुप्ता जी हैं, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आज भी इस प्रोग्राम को याद करते हैं। मिसेज अतुल जायसवाल ज्यादा एप्रोप्रिएट वर्ड है। थैंक यू पंकजा भाभी। हमारे पास प्रेसिडेंट दुबे जी, नर्मदानंद दुबे जी ने मास डिस्ट्रीब्यूशन का बीड़ा उठाया, 5,000 लोगों को करीब करीब 4-5 दिन तक कंटिन्यूअसली बनारस में डिफरेंट डिफरेंट जगह से उस समय मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया। थैंक यू नर्मदानंद जी। एक और सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ था, सीए भूपेन सर लीडिंग, हम लोग सीए फ्रेटर्निटी में बड़े लीडिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है बॉम्बे के, इनको सुनने के लिए हम लोग जाते हैं तो 2,000-3,000 रुपए की फीस दे के सुनते हैं। वो आए थे, इनकम टैक्स सर्वे एंड सर्च पे बोले थे। इस दिन भी मेरी जूम की कैपेसिटी फुल हो गई थी, कंटिन्यूअसली लोगों के फोन आ रहे थे, हम अटेंड नहीं कर पा रहे थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ इनकम टैक्स सर्वे एंड सर्च पे।
ये जूम ने ऐसा माध्यम दे दिया है हम लोगों को कि हम कहीं से भी वर्ल्ड के किसी भी आदमी को कनेक्ट कर लेते हैं। ये इसका बहुत पॉजिटिव पॉइंट था। इसके बाद ये हुआ कि इतने सारे नए मेंबर्स बने हैं क्लब में, तो क्यों ना डिस्ट्रिक्ट का तो होता ही है, क्यों ना क्लब का न्यू मेंबर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम किया जाए। एक सफल प्रोग्राम था, हम लोग कई क्लब के लोग भी इसमें जुड़े। इसकी लीड किया था नन अदर देन क्लब ट्रेनर पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन अतुल जायसवाल जी ने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जायसवाल जी। इसके बाद की नोट स्पीकर भी थे हमारे आईपीडीजी संजय अग्रवाल जी थे और पीडीजी डॉक्टर प्रमोद कुमार जी आप की नोट स्पीकर थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम चला, काफी देर तक चला, बल्कि कुछ ज्यादा ही लंबा खिंच गया ये प्रोग्राम, साढ़े तीन घंटा चला ये प्रोग्राम। फिर आया सितंबर का महीना, हम लोगों ने टोटल 4 प्रोजेक्ट्स किए सितंबर के महीने में। सबसे पहले डॉक्टर वी के जोशी पीएचयू आयुर्वेद डिपार्टमेंट में एमेरिटस प्रोफेसर हैं, वहीं से रिटायर भी हुए हैं और डायबिटीज पे आपकी स्पेशलिटी है मेडिसिन पे, आपने उस दिन डायबिटीज पे ही आके बोला ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा होगा, काफी लोग थे। आपने एक यूनिक कैलेंडर बनाया हुआ है डॉक्टर जोशी जी ने, एक यूनिक कैलेंडर बनाया हुआ है कि हर सीजन में क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, गर्म ठंडा क्या होना चाहिए, वो कैलेंडर भी उन्होंने पूरा डिस्क्राइब किया। ये प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था। हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी दीपक अस्थाना जी भी उस दिन हम लोग के साथ में थे, ऑफिस में ही मेरे, थैंक यू दीपक जी। इस प्रोग्राम के कन्वीनर थे प्रोफेसर जगदीश राय जी, जगदीश राय जी भी हम लोग के बीच में हैं, साथ में, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर जगदीश राय जी। एक और बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ, हाउ टू लीड ए स्ट्रेस फ्री लाइफ। फ्रेंड्स, ये मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूं, जब मैं इसको अपने ग्रुप में डाला तो गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई और लोगों ने उसको बड़ा एंजॉय किया। वर्डिंग क्या थी सुनिए, हाउ टू लीड ए स्त्री फ्री लाइफ। ये गलती हुई लेकिन लोगों ने बहुत उसका भी आनंद लिया। ये जो मीटिंग हुई हाउ टू लीड ए स्ट्रेस फ्री लाइफ, एक मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, उसमें सारे प्रोग्राम हम लोग डाल देते हैं। मैक्सिमम व्यूअरशिप इस प्रोग्राम की है, हाउ टू लीड ए स्ट्रेस फ्री लाइफ, हाउ मच स्ट्रेस फ्री वी आर, ये इसको देख के समझ में आता है। रोटेरियन रत्नेश जैन जी इसके कन्वीनर थे, वो शाम को उनसे मुलाकात होगी, इस समय है नहीं, वो तैयारी कर रहे हैं शाम के प्रोग्राम की। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था ये। हमारे एक और नए मेंबर रोटेरियन मनीष अग्रवाल जी ने बीड़ा उठाया है, नहीं आज इस मीटिंग में, उन्होंने मेरे से अपलॉजी की, मैं नहीं रहूंगा। अंताक्षरी क्या ऑनलाइन जूम पर भी हो सकता है, लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन इतना बढ़िया प्रोग्राम अंताक्षरी का किया, सारे मेंबर्स मिलके किए और हम लोग एक मेंबर हैं कैट जी वाले, उनके यहाँ पे स्टूडियो बना हुआ है, वहां पे स्कोर बोर्ड बनाया गया और वहां पे प्रोग्राम किया गया और इस प्रोग्राम में जो प्राइजेस थे उसको स्पॉन्सर किया श्री बनारस ज्वेल्स ने, हमारे पास्ट प्रेसिडेंट गणेश अग्रवाल भाई साहब ने। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जब हम लोग को जरूरत रहती है एकदम आगे रहते हैं इन सारी चीजों के लिए, थैंक यू वेरी मच गणेश भाई साहब। बहुत अपने आप में यादगार प्रोग्राम, मेंबर्स ने खूब एंजॉय किया और सी एस तरुषि वर्मा और सी ए प्रखर अग्रवाल आप दोनों ने इसमें बहुत सहयोग किया इसको सारी चीजें चलाने में, थैंक यू वेरी मच। अक्टूबर का महीना 6 प्रोग्राम, एक प्रोग्राम हुआ था फिंगरप्रिंट एनालिसिस। हमारे बीच में हमारे नए मेंबर सुभाष जी हैं, सुभाष जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ था और ये बता दिया अंगूठे पे हम लोग फिंगरप्रिंट देते हैं, उंगली पे फिंगरप्रिंट, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, हम और आप सोच भी नहीं सकते इसका क्या मतलब है, मीनिंग है। किसी को देखना समझना तो मेरे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, जरूर देखें। ऐसी ऐसी बातें बताएंगी सोचने के लिए हम लोग जो मजबूर हो गए कि ऐसा भी हो सकता है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ फिंगरप्रिंट एनालिसिस का, बहुत सारे मेंबर्स की रुचि थी भविष्यवाणी में अपने जानने में। सपचाते हुए शर्माते हुए हमारे पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन राजेश भार्गव जी ने भी पूछ ही लिया, मेरे बेटा विदेशी से शादी करेगा कि किसी हिंदुस्तानी को लेके आएगा। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ था और नए मेंबर अरविंद जायसवाल जी मीटिंग में, आप उसके कन्वीनर थे, थैंक यू वेरी मच अरविंद जी।
जैसा हमेशा ब्लड डोनेशन रोटरी की एक बहुत मेन एक्टिविटी है और राजेश भार्गव जी 50 बार डोनेट कर चुके हैं ब्लड डोनेशन, उसके कन्वीनर थे और इसके चेयरमैन थे हमारे ब्लड डोनेशन कमेटी के एडवोकेट वीरेंद्र जायसवाल जी। वीरेंद्र जायसवाल जी थैंक यू वेरी मच। उस दिन कुछ और भी प्रोग्राम था इसलिए ज्यादा लोग तो नहीं इकट्ठा हो पाए, कोरोना का भी पीरियड चल रहा था, लोग एजिटेट कर रहे थे, सिर्फ 9 लोग ही ब्लड डोनेट कर पाए। इस प्रोग्राम टोटल 9 लोगों ने अपने क्लब से डोनेट किया था 9 यूनिट्स। अनिल जी के सहयोग से अनिल नारायण किंजवाड़ेकर जी जो कि धार्मिक कार्यों में इनकी बहुत रुचि रहती है, हमेशा अग्रणी रहते हैं आगे रहते हैं, आपके सहयोग से एक कार्यक्रम हुआ। चंपत राय जी जो कि राम जन्मभूमि के जो इस समय महामंत्री हैं बना रहे हैं वो हम लोगों की मीटिंग में आए थे और एक उन्होंने वहां पे क्या डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी दी थी। थैंक यू रोटेरियन अनिल नारायण किंजवाड़ेकर जी, थैंक यू। अगेन अभी राजेश भार्गव जी का जलवा था, इन्होंने तंबोला कार्यक्रम ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया था 25 अक्टूबर को, काफी प्राइजेस बांटे गए और लोगों ने इसको भी काफी एंजॉय किया, थैंक यू। हम लोगों ने इस साल से मोदी जी ने कुछ डायरेक्शन दिया उस पर हमारे यूपी की जो गवर्नर हैं उन्होंने लीड ली इसमें और उन्होंने डीएम ने यहाँ के डीएम को बोल के एक मीटिंग बुलवाई कि जितने भी कुपोषित बच्चे हैं उनको जो है अन्न दिया जाए, उसमें बहुत एक्टिवली दीपक अस्थाना जी भी लगे थे। हम लोगों ने भी 2 आंगनबाड़ी केंद्र 11 बच्चे अडॉप्ट किए हैं, हर महीने जाते हैं और उन कुपोषित बच्चों को विटामिन युक्त सामग्री हम लोग दे के आते हैं, हर मेंबर का उसमें बहुत सहयोग कंट्रीब्यूशन रहता है। इस प्रोग्राम के डायरेक्टर रोटेरियन धर्मराज यादव जी हमेशा लगे रहते हैं और हर महीने कोई भी टर्मिनल तो एक पे एक महीना एक प्रोग्राम करके खाली हो जाता है, इनकी ड्यूटी हर महीने की लगी हुई है। आपने इस प्रोग्राम का बीड़ा उठाया है, बहुत अच्छे से प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, कंटिन्यूड प्रोजेक्ट है हमारा। उसके बाद आए हम लोग नवंबर में, टोटल 8 प्रोजेक्ट हम लोगों ने किए रोटेरियन सुनील बंसल जी के साथ मिलके, शेयर बाजार के सितारे प्रोग्राम किया, उसमें डीजी साहब भी थे एज ए चीफ गेस्ट। मेनली ये रोटेरियन सुनील बंसल जी ने ही लीड किया था, उनका ऑर्गेनाइज किया हुआ प्रोग्राम था, हम लोग एसोसिएट हो गए थे, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ, बहुत कम ऐसे अच्छे लोगों को सुनने का मौका मिलता है, बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में 139 लोग आए थे। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को हमने पहली बार 1 नवंबर को ऑनलाइन सुना, सनातन संस्कृति एंड राष्ट्रवाद, और ये प्रोग्राम के कन्वीनर अतुल भालोटिया जी थे, ऐसे ही नहीं थे, अतुल भालोटिया जी ने मेरे से कहा था शुरुआत में कि भैया इस संस्कृति राष्ट्रवाद इन पे कोई एक प्रोग्राम होना चाहिए, हम लोगों ने ढूंढना शुरू किया, सुरेश भाई साहब ने कहा कि पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी को बुला सकते हैं तो बुलाइए, से अच्छा कोई और मिलेगा नहीं हम लोगों को, और संजोग देखिए पुष्पेंद्र जी से हम लोग पहुंच गए और वो आ गए और ये प्रोग्राम 4.25 घंटा चला और 100 से ज्यादा लोग कंटिन्यू उसमें जुड़े हुए थे, छोड़ नहीं रहे थे। मुझे लग रहा था ये कितनी देर बोलेंगे, बट वो प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल चला। इसके बाद पुष्पेंद्र जी से इतनी अच्छी मित्रता हो गई कि अभी आए बनारस में फिजिकल प्रोग्राम भी उनका हुआ फरवरी में। थैंक यू अतुल बालोटिया जी। ये आदमी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ कैसे बोलता है, कितने मतलब एक सेकेंड आप छोड़ नहीं सकते, डिफरेंट एक्शंस देखिए उनके, डिफरेंट एक्शंस ड्यूरिंग मीटिंग, चूंकि हम लोग एक कंटिन्यू प्रोग्राम हो रहे थे, हर संडे कोई संडे नहीं था, तो मुझे ये फ्लायर डालना पड़ा एक संडे कि दिस संडे यू आर फ्री, आप फिर कहीं भी जाए, एवरी संडे 4:30 जून पे कोई ना कोई मीटिंग है, इसलिए ये फ्लायर डालना पड़ा हम लोग, आप लोग फ्री हैं। फिर दिवाली के मौके पर हमारे एक नए सदस्य अशोक सुल्तानिया जी के सहयोग से हम लोगों ने जो बाबा अनिल बाबा का आश्रम अडॉप्ट कर रखा है वहां पे दिवाली के मौके पर उनको हम लोगों ने स्वीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाके, एक बहुत बढ़िया मीटिंग हुई थी 18 नवंबर को, और इस मीटिंग का संपूर्ण क्रेडिट 100% ये फ्लायर बनाने से लेके शुरू करने से लेके अंत तक रोटेरियन विनीता जलान जी ने इसका पूरा काम किया, और मुझे नहीं लगता मैंने नहीं सुना था कि इधर कुछ हम लोग ईस्टर्न यूपी में किसी भी रोटरी क्लब ने
क्रॉस कॉन्टिनेंटल मीटिंग की, हम लोगों ने स्कॉटलैंड के क्लब के संग में ये मीटिंग की, इतनी सक्सेसफुल मीटिंग थी और बहुत आनंद हुआ। वो क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, इस पे पूरा का पूरा डिस्कशन हुआ। और हमारे बीच में बैठी हुई है डॉक्टर नीलम गुप्ता जी, आपने आयुर्वेद मेडिसिन पे बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दी थी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया सक्सेसफुल प्रोग्राम हुआ था, हम लोग को बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। कुछ सदस्यों को उसमें एक ही बात अच्छी हुई, जब ये बात होने लगी कि आप क्या करते हैं कैसे करते हैं, तो स्कॉटलैंड वालों ने बताया एक चीज बताई, वो हमारे सदस्यों को बहुत अच्छी, कुछ सदस्यों को विशेषकर बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा हम साल में एक दिन विस्की टेस्टिंग डे मनाते हैं। तो ये डीजी साहब के लिए नया आइडिया है, हम लोगों के लिए कुछ करेंगे। थैंक यू विनीता ललान जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर नीलम गुप्ता जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन गणेश अग्रवाल जी के सहयोग से हम लोगों ने अनिल बाबा आश्रम में, जहां हम लोग अभी चलेंगे यहाँ के बाद, वहां पे एक कंप्यूटर लैब का उद्घाटन किया। हम लोगों ने दो कंप्यूटर, चेयर, टेबल, प्रिंटर, एवरीथिंग पूरा सेट लगा के उनके लिए, नॉट ओनली दिस, उनके यहाँ के जो एग्जिस्टिंग टीचर्स थे उनको ट्रेनिंग दी जिससे कि वो बच्चों को पढ़ा सके। और अभी हम लोग एक हफ्ता पहले गए थे तो देख के बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि छोटे छोटे बच्चे, गांव के बच्चे जिन्होंने मोबाइल, स्मार्ट मोबाइल नहीं पकड़ा होगा, वो भी कंप्यूटर पे चला के कुछ कर रहे थे, तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगा उस दिन। थैंक यू रोटेरियन गणेश अग्रवाल जी। देखिए किसी पुराने मेंबर की और जो पिलर्स होते हैं उनका कितना सहयोग एक्सपीरियंस होता है। हमारे सुरेश भाई साहब जो कि क्लब के विश्वपिता मां भी हैं, आपने ये बताया कि क्लब में क्लोज मीटिंग भी होती है, हमें ये भी करनी चाहिए। ये शायद बहुत सारे रोटेरियंस को नहीं पता होगा, क्लोज मीटिंग किया है। इसमें इसका कंसेप्ट यही है कि आपको जो भी अपनी बातें बतानी है, क्या कमी है, क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, कैसे हो सकता है, वो आप आके ओपनली इस मीटिंग में करिए। हम लोगों ने क्लोज मीटिंग भी की थी 22 नवंबर के दिन में। अगेन ये कुपोषित बच्चों को हम लोगों ने जो फूड हर महीने करते हैं 28 तारीख को, ये भी हुआ नवंबर में। नवंबर में एक प्रोग्राम हुआ हाउ टू लीड ए चीयरफुल लाइफ, और जो वक्ता आए थे सुभाष राव माल्या जी, उन्होंने बताया हम लोगों को इसी दौरान कितनी तरह की रामायण होती हैं, उसके क्या क्या इंटरप्रिटेशन है, किस किस कंट्री में कैसे कैसे उसका यूज होता है, ये भी एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम था। रोटेरियन आतिश अग्रवाल जी इसके कन्वीनर थे, थैंक यू आतिश, हमारे क्लब का यंगेस्ट मेंबर, फ्यूचर ऑफ द क्लब। और धीरे धीरे हम लोग आ गए दिसंबर के महीने में, हमारे अपने मेंबर रोटेरियन डॉक्टर प्रभात रंजन सिन्हा, डॉक्टर पीआर सिन्हा, हार्ट के कार्डियोलॉजिस्ट के स्पेशलिस्ट हैं, कार्डियोलॉजी के, हाउ टू टेक केयर ऑफ योर हार्ट, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आपने दी इसमें। रोटेरियन नीरज अग्रवाल जी है नहीं, सवेरे थे घर पे, आप इसके कन्वीनर थे, थैंक यू नीरज जी, ये एक भी बहुत सफल प्रोग्राम ये हुआ। रोटेरियन अनिल केजवाड़ेकर जी के सहयोग से एक बहुत गरीब परिवार की बच्ची की शादी संभव हो पाई, हम लोगों ने 30,000 रुपए का कैश कंट्रीब्यूशन करके वो शादी उनकी करवाई, थैंक यू रोटेरियन अनिल केजवाड़ेकर जी। अनिल जी की हमेशा रुचि रहती है, बताते रहते हैं इस टाइप के कामों में, कि एक इनका कहना इस टाइप का ग्रुप होना चाहिए जो कि इस तरह के मददगार लोग यदि आए तो उनको हमेशा जेनरसली कंट्रीब्यूट कर सके। हमारे एक मेंबर है रोटेरियन नरसिंह अग्रवाल जी, हम लोग उनके घर गए थे उनकी मैरिज एनिवर्सरी के अवसर पे, उन्होंने तुरंत सुनते ही 11,000 रुपए का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इंटरनेट के इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल के डायरेक्टर प्रोफेसर नरेंद्र के रस्तगी, जो कि हमारे अपने ही मेंबर आईटी रुड़की से रिटायर्ड प्रोफेसर जगदीश राय जी के अभिन्न मित्र हैं, उन्हीं के सहयोग से संभव हो पाया था, लीडरशिप इन टफ टाइम्स, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। और ऑड आवर्स थे, 10-12 घंटे का फर्क है यूएस के और यहाँ के टाइम में, इवन देन उन्होंने सवेरे सवेरे उठ के हम लोगों के लिए मीटिंग किया और हम लोगों को बताया, थैंक यू वेरी मच जगदीश राय जी। सुभा सिंह जी इसकी कन्वीनर थी, अभी इस मीटिंग में है नहीं,
फिर अगेन कुपोषित बच्चों का इस महीने का प्रोजेक्ट। एक हम लोगों ने बीच में फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन भी किया था रोटेरियन शैलेंद्र श्रीवास्तव जी के सहयोग से कुपोषित बच्चों में जाके। थैंक यू शैलेंद्र श्रीवास्तव जी। और इस तरह से जून का दौर खत्म हुआ। जनवरी हम लोग आ गए फिजिकल मीटिंग के दौर में। जनवरी दिसंबर तक चला, जून पे ये जनवरी टोटल 3 प्रोजेक्ट। देखिए कहां 6 और 8 प्रोजेक्ट हो रहे थे, फिजिकल होते ही कॉस्ट कटिंग के चक्कर में 3 पे आ गए। न्यू ईयर प्रोग्राम होटल सूर्या में हुआ 3 जनवरी को। अभी जो स्टार्टिंग में क्लिपिंग देखी उसी प्रोग्राम की थी, उसमें हम लोगों ने न्यू मेंबर इंडक्शन इंस्टॉलेशन का सर पार्ट सब कुछ किया। अब खूब एंजॉय किया, खूब नाचे गाए। और इस प्रोग्राम को जैसा कि स्टार्टिंग में ही आपने देखा होगा, रोटेरियन सपना खंडेलवाल जी लीड में थी, रोटेरियन प्रोफेसर डॉक्टर नीलम गुप्ता जी आप भी लीड में थी, आप दोनों ने मिलकर इसका संचालन किया बखूबी। खूब बढ़िया, खूब आनंद आया। थैंक यू आप दोनों को। आप दोनों के बिना तो रोटरी नॉर्थ में जानी नहीं आ पाती है। बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ ये। ये आप लोग कहेंगे इतनी फोटो क्यों लगा रखी है, उसको भी अभी मैं बताऊंगा, उसका भी पीछे क्या रीजन है। एक मेडिकल हेल्थ चेकअप कैंप हुआ। हमारे नए मेंबर विनोद गुप्ता जी होटल कैस्टलो के जो ओनर हैं, उन्हीं के यहाँ उन्हीं की छत पे उन्होंने आग्रह किया और उन्होंने स्पॉन्सर किया पूरे प्रोग्राम को। इतना बढ़िया मेडिकल चेकअप कैंप हुआ खाली रोटरी मेंबर्स के लिए। अभी मेडिकल कैंप का नाम आता है तो तुरंत ध्यान में आता है किसी गांव देहात में धूल धक्कड़ के बीच में टेंट लगा के और गांव के लोगों की भीड़ के बीच में बैठ के 4 डॉक्टर देख रहे हैं, दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम ये कैंप हुआ हम लोगों का, जिसमें कि रोटरी के करीब 200 मेंबर्स आए होंगे सब मिला के इन ऑल, और सबने खूब 3-4 घंटे धूप में फेलोशिप का एंजॉयमेंट किया। और शहर के लीडिंग डॉक्टर्स ने वहां पे चेक किया, करीब 50 लोगों की ECG भी उस दिन हुई, ब्लड की चेकिंग और तमाम तरह की सुविधा, योगा की टिप्स, उनको आसन करना कैसे बताया जाए, BMI कैसे लिया जाए, और सारी चीजें वहां पे हुई। एक बहुत सफल प्रोग्राम हुआ। और इस सफल प्रोग्राम के पीछे थे हमारे रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के पास्ट प्रेसिडेंट रोटेरियन प्रोफेसर डॉक्टर शिवजी गुप्ता। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, हमेशा आपका सहयोग मिलता रहता है हम लोग को। आज भी इसके बाद डॉक्टर साहब का ही प्रोग्राम है बाबा आश्रम में। बहुत सफल कार्यक्रम हुआ। अगेन फूड डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम। और हम लोग आ गए फरवरी में। टोटल अभी तक 2 प्रोजेक्ट हुए हैं। सबसे पहले यूनियन बजट आया और उपेंद्र शाह जी जो दिन में 2 मीटिंग कर रहे थे, सबसे पहले उन्होंने हम लोगों की बजट मीटिंग को एड्रेस किया। 1 को बजट आया, 2 तारीख को एड्रेस किया। 100 लोगों का पार्टिसिपेशन था इस मीटिंग के अंदर। पूरी जून पे 100% कैपेसिटी यूटिलाइज थी। और हमारे बीच में भी है नहीं रोटेरियन SK अग्रवाल जी जो कैटजी के डायरेक्टर हैं, वो इसके कन्वीनर थे। 7 फरवरी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी से साक्षात आमने सामने मिलने का हम लोग को मौका मिला होटल सूर्या में। करीब 250 लोगों की गैदरिंग थी इसमें। सारे रोटेरियंस इसमें अवेलेबल थे, सारे रोटरी मेंबर्स के लिए ये ओपन था। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। 2:30-3 ये प्रोग्राम करीब 4:30 बजे शुरू हुआ, 9 बजे तक चलता। और पुष्पेंद्र जी का तो कहना ही क्या है, वो तो बोलते हैं तो शुरू हो जाते हैं। एक एक लोगों के प्रश्नों का उन्होंने जवाब भी दिया। उसका नाम ही हम लोगों ने रखा था सवाल जवाब पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी के साथ, और उन्होंने भी इसको बहुत इंजॉय किया। उनका कहना भी था कि किसी भी प्रोग्राम में हम लोग इतनी लेडीज को नहीं देखते हैं, ये पहला आपका प्रोग्राम है जिसमें इतनी लेडीज आ रही हैं, क्वेश्चन कर रही हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। हमारे रोटेरियन अभय सिंह जी होटल सूर्या के ओनर, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन था इस प्रोग्राम में। थैंक यू। और अंत में ये सारी चीजें जो हुई, इसके पीछे जो हमारे कन्वीनर्स और मेंबर्स थे, उनके कारण ही ये सब संभव हो पाया।
तो हम अपने सारे संयोजक कन्वीनर के लिए दो लाइन कहना चाहता हूं, हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है। समुद्र में अपार पानी हो, लेकिन सच यह है कि समुद्र बनाने में भी नदियों का योगदान होता है। थैंक यू। आप सभी को थैंक यू। फ्रेंड्स, ये केमल छपता है, 3 महीने का जीएमएल एक साथ आया। हमारे मेंबर्स को बड़ी खोर निराशा हुई कि इतना प्रोग्राम हो रहा है, कहीं नाम नहीं। नॉर्थ के प्रोग्राम किसी और क्लब का फोटो, मेरी फोटो किसी और का। हम लोगों ने कहा घबराइए नहीं, उससे अच्छा जीएमएल हम लोग छपवाएंगे, इसलिए पीपीटी हम लोग छपवाएंगे। मेरे डीजी साहब से अनुरोध है कि कृपया इस चीज को जरूर देखें, ट्रू रोटेरियंस पीछे होते हैं, मॉरल डाउन होता है और इससे रोटरी नामक संस्था डाउन होती है। सही मामले में यदि कोई काम कर रहा है तो उसको जरूर आना चाहिए, दिखाना चाहिए, इसीलिए इस टाइप की मैगजीन्स पब्लिश होती हैं। लोगों का ये कहना था कि इतना काम कर रहे हैं फिर भी नाम नहीं, तो बाकी जिनकी फोटो छप रही वो कितना काम कर रहे होंगे, मुझे भी देखना है वो कितना काम कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, एक औपचारिकता होती है डीजी गवर्नर मीटिंग की। कई सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, आपके अकाउंट्स, आपके ड्यूज की रिसीट्स, मेंबर्स की लिस्ट, आपने क्या प्रोग्राम किया, बजट, हेन तेन, दुनिया की चीजें दी जाती हैं। तो लास्ट ईयर हमारे आईपीपी रोटेरियन इनसेन सिंह जी ने एक उदाहरण दिया था, उसी को फॉलो करते हुए उन्हीं की गाइडेंस में मैंने भी तैयार किया है और मैं एक बुकलेट आपको दे रहा हूं, सारे पेपर उसमें। रोटरी नॉर्थ ने इस साल जितनी चीजें की हैं वो सारी चीजें उसमें हैं और वो मैं हैंड ओवर करना चाहता हूं आपको। अभी दिल नहीं भरा बोलने के लिए, बहुत कुछ है, धीरे धीरे भाषणबाजी करने की भी लगता है मेरी आदत ही हो गई है। मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूं एक शेर के साथ में। हमारे मित्र पीछे बैठे हैं एकदम नए मेंबर रोटेरियन, आरसीपी गुप्ता जी, आप ही ने मुझे प्रोवाइड किया है आज के लिए विशेष तौर पे। समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे सके, समय के पास इतना समय नहीं है कि वह आपको दोबारा समय दे सके। जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में मेला, और न समझ में आई तो मेले में अकेला। जो विशेषकर नए मेंबर्स के लिए, जुड़ जाइए, नहीं तो इसी को मेला समझ लीजिए, मेले में अकेला होने की जरूरत नहीं, हम लोग सब साथ में हैं। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे यूं ही मुसाफिरों की तरह, यादें वहीं खड़ी रह जाती हैं रुके रास्तों की तरह। थैंक यू वेरी मच। मैं कुछ अपने उद्गार व्यक्त करना चाहूँगा। जैसा कि ये बोला गया कि हमारे क्लब के पितामह सुरेश भैया हैं, आपकी आज्ञा का, आपके आदेशों का हर सदस्य अक्षरशः पालन करता है। भैया का कहना था कि क्लब का अगर अध्यक्ष सोता है तो क्लब भी सोता है, अध्यक्ष चलता है तो क्लब भी चलता है।
और अध्यक्ष अगर दौड़ता है तो क्लब दौड़ता है, बट इस बार हमारा अध्यक्ष उड़ रहा है। नॉर्थ ईस्ट में 3-1-2-0 की उच्चतम ऊंचाइयों को बुलंद पर छू रहा है और उड़ान अभी इसकी बाकी है, क्योंकि अभी हमारा 6 महीने बाकी है। दिसंबर 2019 में अध्यक्ष जी ने सही बताया कि हमको सुरेश भैया के घर पर डिनर के लिए बुलाया गया और हमको माला पहना दिया गया। माला पहनाने के पहले हम कुछ पास प्रेसिडेंट ने आपस में मिलकर षड्यंत्र भी रचा कि इनको कैसे फंसाया जाए। फंसाया जाए मतलब कि हमारा क्लब का ऐसा सौभाग्य है कि हमारे पास आगामी 4-5 साल के लिए अध्यक्षों की लाइन तैयार है। बट सुरेश भैया ने इनके अंदर एक कुछ प्रतिभा देखी और आपने उस प्रतिभा के बारे में हमें कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने तय किया कि क्लब को एक और ऊंचाई देने के लिए एक ऐसे बहुमुखी प्रतिभा को लाना जरूरी है जो कि डिस्ट्रिक्ट में एक अलग से पहचान दे। इनको बुलाया गया, हम लोग ने 1 घंटा तक तो माहौल बनाया, उसके बाद खाना खाने के बाद धीरे से इनको सबने मिलके माला पहना दिया और ये अध्यक्ष जो कि 2015 में डॉक्टर नीलम गुप्ता जी के समय में सदस्य बने थे, आज 2021 में हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक बड़े होनहार और बहुत ऊर्जावान अध्यक्ष के रूप में नाथ का परचम लेके आगे चल रहे हैं। मैं गवर्नर साहब से बोलना चाहूंगा कि कोविड के पीरियड का जो इस्तेमाल 4:30 बजता था तो हमारे क्लब के सब मेंबर मोबाइल में लैपटॉप में जूम पर स्टार्ट हो जाते थे, 4:30 मतलब 4:30, उसके बाद हम लोग एक नशा हो जाता था। आपने जो फ्लायर देखा था संडे वाला, देयर इज नो मीटिंग, इट वाज द बेस्ट फ्लायर ऑफ द मंथ और हम लोग बड़े निराश भी थे कि यार आज कुछ है नहीं कुछ करने को। और जिस वक्ताओं को हम लोगों ने सुना, शायद उन वक्ताओं को या तो हम लोगों ने यूट्यूब पर देखा है या तो उनको सुनने के लिए कहीं हमें दूर जाना पड़ता है। तो धन्यवाद सतीश चंद भाई साहब, आपने इतने लोगों से हम लोगों को रूबरू कराया। और कोविड में बेस्ट पार्ट था कि हम में से ज्यादातर रोटरियन 40-45 की उम्र के ज्यादातर के लोग होते हैं, वर्चुअल माध्यम का उपयोग, बच्चे या तो क्लास कर रहे हैं, बट हम लोगों ने इतना बखूबी सीख लिया कि अब आगे आने वाले समय में हम लोगों ने इसको फिजिकल और वर्चुअल के माध्यम से इतना बढ़िया इसका सिंक्रोनाइजेशन किया है कि लगता नहीं कि हम मीटिंग नहीं कर रहे हैं। हमारे नए मेंबर, मेरे ख्याल से इस बार 17-18 नए मेंबर हमारे साथ जुड़े हैं, एक से एक मेंबर। और ये सतीश जैन जी की खासियत है कि कोई ऐसा मेंबर नहीं रहा हो जिसकी प्रतिभा को उन्होंने पहचाना ना हो और उसको आगे ना लाया हो। हम लोग का भी सौभाग्य है कि हम लोग के साथ एक से एक पढ़े लिखे तो हर लोग होते हैं, बट उनकी अलग अलग प्रतिभा के धनी, आयुर्वेद हो, फाइनेंस के हो, डॉक्टर्स हो, सीए हो, हर विधा के लोग हैं हमारे क्लब में, हर विधा के लोग हैं। तो इसके लिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि हमारे ऊर्जावान और इस अध्यक्ष के लिए जोरदार तालियां। फ्लायर्स के नीचे ऊपर लिखा रहता था रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ, उसके नीचे छोटे छोटे बॉक्स बने होते थे, मालूम उन बॉक्स में क्या होता था? उन बॉक्स के अंदर बनारस में आज 18 या 19 क्लब है मेरे हिसाब से, तो कम से कम 6 क्लब, 8 क्लब, 10 क्लब, 12 क्लब हम लोग के साथ जुड़ के संयुक्त रूप से इस प्रोग्राम को कर रहे हैं। सर मैं आपको ये जब बताना चाहूंगा कि अगर मैं बनारस की बात करूं जो कि अपने आप में एक छोटा सा मंडल है, उस मंडल को इस बार अगर लीड करने का काम किया है तो रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ ने किया है। 10 क्लब, 12 क्लब, 7 क्लब रोटरी क्लब के अलावा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन, रामनगर एसोसिएशन, इतने लोग ने जुड़ा इसके साथ जुड़ाव कर लिया है कि हम लोग को लगता है कि शायद इस कोविड पीरियड में जो हमारे गवर्नर की जिम्मेदारी होती है हर जगह जाना, प्रोग्राम को कंडक्ट कराना, और एजी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। दुर्भाग्य से आज हमारे असिस्टेंट गवर्नर संजय गुप्ता जी आज नहीं उपलब्ध हो पाए हैं, अस्वस्थ हैं वो, पर उस अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमारे अध्यक्ष जी ने सबको एक साथ लेके आगे बढ़ने की कोशिश की है। बात आती है रोटरी इमेज की, बात आती है पब्लिक इमेज, पब्लिक इमेज पर बहुत काम होता है। रोटरी के बारे में बोला जाता है कि रोटरी जो करती है पोलियो के आगे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। इतना बढ़िया मीडिया को मैनेज किया है कि शायद बनारस का जो प्रमुख अखबार है दैनिक जागरण, हम लोग का कहा जाता है कि अगर दैनिक जागरण में कवरेज आ गया तो आप समझ लीजिए आ गया।
कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होगा, हालांकि वो सब डॉक्यूमेंट में दिखाया था आपने पीपीटी में, हर प्रोग्राम का फोटो के साथ दैनिक जागरण में कंप्लीट कवरेज आया है। तो जितने रोटरी के 6 एवेन्यू है, हम लोग हर एवेन्यू में हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है। धन्यवाद, और धन्यवाद हमारे समस्त अध्यक्षों का। गांव में जब अध्यक्ष दौड़ता है तो क्लब भी दौड़ता है, तो हम सब आपके साथ मिलकर खड़े हुए और इस मुकाम पर हम लोगों ने आज रोटरी क्लब को पहुंचाया है। कोविड की बात हो रही थी तो ये हुआ कि इसका कैसे सदुपयोग किया गया। हमारे क्लब के ही एक बहुत होनहार मेंबर हैं डॉक्टर आर के जायसवाल जी। कोविड का पीरियड था, सब लोग घर पर थे। आप बीएचयू में एसोसिएट प्रोफेसर हैं आयुर्वेद विभाग में, एनेस्थीसिया में। आपने कोविड पीरियड में तो हालांकि सारी रूपरेखा हमारे अध्यक्ष जी ने बता दी है, औपचारिकता है। मैं क्लब के सचिव सुरेश कंडला भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि आप सेक्रेटरी रिपोर्ट पढ़ें। धन्यवाद अतुल जी। एक्चुअली मैं आप लोगों को बोर नहीं करूंगा सेक्रेटरी रिपोर्ट के, क्या है कि जब सारा कुछ इन्होंने बता ही दिया है हमारे अध्यक्ष जी ने पीपीटी के माध्यम से, और उसको रिपीट करने का मतलब नहीं है। पोती पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भया निकोए, और ढाई जाकर प्रेम के बड़े से पंडित हुए। तो हमको बहुत पोती नहीं पढ़ाना है, सब उन्होंने बता दिया है। मैं कुछ बातें बताऊंगा क्लब की जो बहुत खास खास बात है वो मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने आजकल एक कहावत सुनी होगी कि मोदी है तो मुमकिन है, ये एक बड़ा आजकल चलता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर सतीश जैन जी हैं तो ये क्लब में मुमकिन है। आप कोई भी काम करा उससे अधिक मैनेजमेंट में, उससे अधिक, उससे डेडिकेशन से कोई करने वाला हम लोग को मिला नहीं है। मैं 30 साल से रोटरी में हूँ, अकेला चार्टर्ड मेंबर रह गया हूँ यहाँ पर। मैंने 30 साल का अपना जो दिखा है कार्यकाल, मुझको आज तक इस तरह से काम करने वाला कोई भी प्रेसिडेंट नहीं मिला। जिस ऊंचाइयों पर ले गए हैं क्लब को, एक बार खड़ा कर दिया है, आने वाले प्रेसिडेंट के लिए एक मिसाल खड़ा कर दिया है कि उनको किस तरह काम करना है। हर काम डॉक्यूमेंटेड है, आपको जो किताब दी गई है, शायद मैं कहता हूँ हम लोग क्या पिछले साल IDPG आए थे, आपने हमारे इंद्रसेन जी ने उनको जो डॉक्यूमेंटेड दिया था उससे उन्होंने सबक लिया था। और IDPG ने बोल के गए थे कि मैं सब क्लबों में जाता हूँ तो मैं सीखता हूँ, मुझको रोटरी नॉर्थ में आके सीखने को मिला है। ये उनके शब्द थे जो आज बोल के गए थे, और उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। हर चीज डॉक्यूमेंटेड, हर चीज बनी हुई, पूरा उसने बना के दिया है। और कुछ मैं मोटी मोटी बात बताना चाहता हूँ कि हम लोग ने पूरे, हम लोग का क्लब इसीलिए चल रहा है कि पूरे रोटरी नॉर्म से चलता है। बहुत से क्लब चलते रहते हैं अपने हिसाब से चलते हैं, हम लोग हर क्लब अपने इसको पूरे रोटरी नॉर्म से चलाते हैं। हर महीने बोर्ड मीटिंग होनी है तो होनी है, हर महीने 2 मीटिंग मिनिमम है तो होती ही है। वैसे तो 2 मीटिंग की जगह हम लोग 4-5-6 मीटिंग कर रहे थे, आपने सुना ही होगा। किसी भी तरह से हम लोग क्या नॉर्थ में संजोग से जो इतने दिन से नॉर्थ इतने सफलतापूर्वक चल रहा है, उसका कारण यही है कि उस पूरे रोटरी नॉर्म से हम लोग चलाते हैं क्लब को, इसीलिए वो चल पाता है। आपने देखा होगा मैंने इनसे कहा कि क्लोज मीट जरूर करिए, क्योंकि जो सदस्यों के ग्रीवेंसेस होते हैं वो जरूर सुनना चाहिए, तभी आप कुछ कर पाते हैं, वो अपनी गलतियों को समझते हैं। और इस तरह से हर मीटिंग का प्रावधान गया कर लिया गया। अब उसके बाद जब फिजिकल मीटिंग कोविड के द्वार बंद हुई, वर्चुअल मीटिंग का द्वार खुला, इसका लाभ मिले संसार भर के, जहाँ से अच्छे स्पीकर और अच्छे से अच्छे वक्ताओं को बुलाया गया। हम लोग ने सुना जो आपको पीपीटी से माध्यम से दिखाया गया है। इस बार हम लोग ने थीम दी थी कि फेलोशिप, आपने देखा होगा गवर्नर साहब को एक हम लोग ने रोटरी अपनी डायरेक्टिव दी है। हम लोग ने इस बार सोचा था कि फेलोशिप का सबसे ज्यादा जोर रहेगा, हम लोग न्यू मेंबर्स तभी बन पाएंगे जब क्लब की फेलोशिप अच्छी रहेगी। और आप इस तरह से क्लब को डेवलप करिए कि मेंबर्स आपके आने के लिए अलाइज रहे, आप एक रोटरी को ब्रांड बना दीजिए, तब तो आप चला पाइएगा। और इस तरह से आप चलाइएगा कि आप एक मेंबर बना ले रहे हो, 15,000-30,000 भी नहीं दे पा रहा है और किसी तरह परेशान है, तो क्लब उस तरह से नहीं चल पाएगा। और भगवान की कृपा से आज रोटरी नॉर्थ का एक ब्रांड नेम हो गया, लोग आना चाहते हैं, हम लोग सेलेक्टिव हुआ है, उनको बहुत देख समझ के दिया जाता है। तो इस तरह से अगर आप चलाइएगा क्लब, इस तरह से इस समय चला रहे हैं, उस ऊंचाइयों में उसको पहुंचा दिया है। और हम लोग ने बहुत, जैसे कि अधिकतर क्लबों को जोड़ जोड़ के किया, बहुत खर्चे होते थे, 1,000 रुपए महीने से लेके 5,000 तक जूम का पैकेज लगता था, हम लोग बैनर बनवाते थे, ये सब करते थे। लेकिन हम लोग ने किसी भी क्लब से 1 रुपया चार्ज नहीं किया, किसी भी क्लब से, ना किसी से कहा आप जुड़िए हमसे। एक हम लोग क्या कहावत है आपने सुना होगा
बिहार में कि जो ठगाए तो ठाकुर कहलाए, अगर आपको बड़ा बनना है तो आपको ठगना पड़ेगा, ठगवाना पड़ेगा, उसको चले गए, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा गया, आप जुड़िए, हम लोग उसमें खुश थे। बाद में तो लोग हम लोग से बाद में, अगर हम लोग किसी को नहीं जोड़ पाते थे तो लोग हमको फोन करते थे, कह रहे हमारा प्यार में नाम नहीं, हमको जोड़िए आप। ये सब स्थिति हमें पैदा कर दी थी। इस तरह से क्लब चलाया इन्होंने, आप देख रहे हैं किस तरह से दिखाया था उन्होंने, और अब डीजी साहब सब देख ही रहे हैं किस तरह से हम लोग दिखाया। अब मेंबर्स और दूसरे क्लबों में तो कहते थे कि ड्यूज कम कर दीजिए, और तरह की बातें होती थी। हमारे यहाँ मेंबर इतने खुश थे कि कहते थे कि फिजिकल मीटिंग से अच्छी जूम मीटिंग हो रही है। इस तरह से क्लब चला है। अध्यक्ष जी ने इस कोविड काल में भी जितने नए सदस्यों को जोड़ा है, और सब क्वालिटी सदस्य, कोई ऐसा वैसा नहीं, बहुत देख समझ के और पूरे प्रोसीजर से। आप देखिए हम लोग क्लब में जो भी सदस्य जोड़े जा रहे हैं, पहले कुछ प्रोसीजर रहा होगा, लेकिन हम लोग बाकायदा उसको स्क्रीनिंग कमिटी में देते हैं, उसके बाद उसको बोर्ड से उसको पास करवाते हैं, उसके बाद ही उनको लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो उसको नहीं लिया जाता है। कंप्लीट प्रोसीजर सारे मेंबर्स को लिया गया है, एकदम जो जरूरी प्रोसीजर है उससे चला गया है। और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि सारे मेंबर्स का, शायद डिस्ट्रिक्ट में बहुत कम ऐसे क्लब होंगे कि सारे मेंबर्स का फुल ड्यूज 15 दिसंबर, हम लोग कोविड काल तक दे दिया गया था कि 15 दिसंबर आ जाए, सारे मेंबर्स का आ गया। हम लोग बहुत ही इस पर स्ट्रिक्ट करते हैं, जो मेंबर पैसे नहीं दे पाते, हम नहीं चाहते क्योंकि 8,000 रुपया ऑलरेडी रोटरी आपके RI ड्यूज, डिस्ट्रिक्ट ड्यूज और रोटरी न्यूज चेस्ट को चले जाते हैं। अगर आप ड्यूज नहीं दीजिएगा तो रोटरी की मेंबरशिप बेकार है। आप ये समझ के चलिए कि हमको जो है रोटरी की मेंबरशिप देना ही है, तभी आप मेंबर बनिए, नहीं तो हमको बनने की कोई आवश्यकता नहीं, आप आराम से अपने घर बैठिए। हम लोग इस तरह के मेंबर बिल्कुल नहीं लेना चाहते कि जो ड्यूज नहीं दे सकते, हम लोगों के पीछे कहां तक दौड़ेंगे। तो बहुत ही कड़ाई से इसका पालन किया गया, और इस कारण हम लोगों को 3 मेंबर टर्मिनेट कर दिया गया कि हम लोग इस तरह नहीं चलाएंगे क्लब। जो मेंबर ड्यूज दे सकेंगे दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे बहुत ही कड़ा, उसका ये नतीजा है कि हमारे आने वाले जो अध्यक्ष हैं उनके लिए एक द्वार खुला हुआ है कि जब जुलाई को हम लोग चार्ज लेंगे उनको, तो शायद उनके पास कई लाख रुपए ऑलरेडी पड़ा रहता है, जिससे उनको कोई भी कार्यक्रम करने में कभी दिक्कत नहीं होती है। आप लोग ने 3 जनवरी का नए साल का इंस्टॉलेशन कम न्यू ईयर का प्रोग्राम देखा होगा। हमारे जयपुरिया जी, हमारे अस्थाना जी और कई सदस्य उसमें आए हुए थे, देवेंद्र जी शायद नहीं आए थे उसमें, तो आए हुए थे। आपने देखा होगा किस जोश और खरोश से हम लोग ने क्लब को कार्यक्रम करते हैं और किस उससे करते हैं, और पूरा जैसा कि पूरा क्लब डांस फ्लोर पर आ गया, वो स्थिति थी। और सारे प्रोग्राम तो हुए थे, उसके बाद जिस तरह से जोश और खरोश से लोगों ने उसको एंजॉय किया, वो एक अलग नजारा था। अस्थाना जी के पत्नी सबने कल बात भी, जब मैंने बोला भी था कि भाभी जी आप शायद अपने क्लब में नहीं नाची होगी जितना हमारे क्लब में हम नाची हैं, तो अस्थाना जी दोनों ने तो ऐसा एक माहौल क्रिएट कर दिया था, इतना लोगों ने एंजॉय किया। एक मीटिंग, एक यादगार मीटिंग थी इस कल की। उसके बाद जो है फेलोशिप जो थीम थी, उसके थ्रू हम लोगों ने क्या हुआ कि इस बार ये सोचा गया कि क्यों ना हम लोग बहुत कैंप लगाते रहते हैं गांवों में, देहातों में जा जाके तमाम हम लोग काम करते रहते हैं, तो ये एक बार क्लब में विचार आया कि क्यों ना इस बार हम लोग रोटरी के सदस्यों के लिए कैंप लगाएं, अपने सदस्यों के लिए, बनारस के रोटरी के सदस्यों के लिए कैंप लगाएं। जैसा कि आपको दिखाया था PPT के माध्यम से, बनारस के हर क्लब के लिए, हर सदस्य के लिए हम लोग ने ओपन ऑफर दिया था। डॉक्टर्स बनारस के आप जानते हैं, सारे नामी गिरामी डॉक्टर्स बैठाए गए थे, और आप समझिए कि ECG के लिए नीचे रूम खुलवा दिए गए थे, जिसमें कि बड़े बड़े रूम जो लग्जरी रूम थे, एक लेडीज के लिए, एक जेंट्स के लिए खुलवा दिया गया था, जो ECG कराना चाहे कराए, जो तमाम जांच कराना चाहे कराए। अब बहुत ही खाना पीना सारा, नाश्ते से लेकर सारा इंतजाम हमारे जो सदस्य थे, आपके विनोद गुप्ता जी जो नए सदस्य बने हैं, कस्टिलो के मालिक भी हैं, उन्होंने कंप्लीट, हम लोगों ने पूछा भी कि कुछ आपको देना है, उन्होंने कहा मैं कंप्लीट स्पॉन्सर रहेगा। इस तरह के सदस्य अगर आपके क्लब में है तो आप समझ सकते हैं किस तरह से चल रहा है। वैसे भी हम लोग के क्लब में आपको बताऊंगा, अभी दोनों सदस्य हमारे आए नहीं हुए हैं, जो हर साल होली एक सदस्य, एक साल दिवाली वो स्पॉन्सर करते हैं, अनिल राय जी अपने यहाँ दिवाली का कार्यक्रम स्पॉन्सर करते हैं, और हमारे SK अग्रवाल जी कैटजी वाले वो होली का एक दिन दिवाली करते हैं, और हर साल वो करते आ रहे हैं, और 50,000 रुपए से ऊपर उनका हर साल 50,000 से 1,00,000 खर्च होता है, वो निसंकोच करते जाते हैं और बहुत ही सक्सेसफुल कार्यक्रम करते रहते हैं। इसी तरह से क्लब चल पाता है, चूंकि अगर आप फेलोशिप अच्छी नहीं रखिएगा, सदस्य आपसे नहीं जुड़ेंगे, तो आप किसी भी कार्यक्रम को कर नहीं पाइएगा, कोई भी जुड़ेगा नहीं। हम लोग यहाँ भगवान की कृपा से बहुत ही अच्छी फेलोशिप है, और सदस्य एक से एक बड़े चढ़ का हिस्सा लेते हैं, तब ये क्लब इतने सुख चल पा रहा है। पुष्पेन्द्र कुलश्रेष्ठ जी का तो मैं उनके बगल में बैठा था, जैसा उन्होंने बताया
कि उनका कार्यक्रम में इतनी भीड़ होती है, हजारों हजारों की भीड़, लेडीज अपने हम लोग के परिवार की नहीं जा पाती है वहाँ। वो उन्होंने देखा कि अच्छे परिवार की इतनी महिलाएं यहाँ उपस्थित हैं, बड़े वो खुश थे कि इतनी अच्छी जेंट्री मैंने बहुत कम देखी है, क्योंकि वो लिमिटेड था, 250 बता रहे थे, शायद 300 से ऊपर लोग थे, पीछे बहुत कुर्सी लगाई गई थी, पिन ड्रॉप साइलेंट था। अस्थाना जी तो वहाँ थे, सुन ही रहे थे, जो जो भी और सदस्य वहाँ आए थे उन्होंने सबको सुना था, और बहुत ही जो है जोरदार कार्यक्रम हुआ था, जैसा कि आपको दिखाया गया था टीवी पर। क्लब डायरेक्टरी इस बार देखिए हम लोगों ने छापी थी, बहुत जमाने से क्लब डायरेक्टरी नहीं छप पा रही थी, कुछ बीच में गड़बड़ा गया था सारा उसे। एक एक सदस्य के बारे में पूरा डिटेल, उनके परिवार के बारे में पूरा डिटेल, उनके बच्चों के बारे में पूरा डिटेल, उनके बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल, कंप्लीट कलरफुल डायरेक्टरी, बहुत महंगी पड़ी लेकिन छपवाया गया और सबको डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, और बहुत ही उसको दिखाया गया था। मैं तो चूंकि होता है कि क्लब का चार्टर पर रहा हूं मेंबर, मुझको बड़ा गर्व था कि मैंने अपने समय बड़ा अच्छा चलाया था, लेकिन होता है ना जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता तभी तक गिलमिलाता है। तो हमारे अध्यक्ष जी ने, जैन जी ने एक जो माइक कायम कर दिया है, मुझको लगता है कि जिस तरह के कार्यक्रम उन्होंने किया है वो कार्यक्रम आज तक क्लब में हुए नहीं है, कहीं कोई कभी कर ले, आगे तो किसी इसका ही लिमिट, कोई कह नहीं सकता क्या होगा, आप लोग तो चाहेंगे कि इनसे भी अच्छा कोई आगे कार्य करे, लेकिन जैसा इन्होंने काम किया, मैं तो ये जानता हूँ डीजी साहब, मैं नहीं जानता पूरे डिस्ट्रिक्ट का, जैसा आप लोग जुड़े हुए हैं आपके उस पर व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो मैं तो समझता हूँ कि जितना कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं शायद ही कोई कर पाया होगा, डिस्ट्रिक्ट में कोई नहीं कर पाया होगा, और जितने उससे करते हैं हम लोग शौक से और जितने मेहनत और जितने लगन से, उसको बहुत ही आप इनके लिए मैं जैन जी का शुक्रगुजार हूँ कि पूरे ऑर्गेनाइज वे से मिनट टू मिनट उन्होंने चार, जैसे आप देखिएगा, और सबसे बड़ी बात हमारे क्लब की है कि अगर हम लोगों ने 6 बजे का टाइम दे दिया तो आप 6:05 देखिएगा सारे मेंबर उपस्थित रहते हैं, कभी ऐसा हो नहीं सकता कि 6:30 हो जाए, 6:30 भी हो सकता है, 6:06 ही होता है, हम लोग ने इस बात को पालन करा दिया और इसको मार्क करा रखा है। अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे अनिल बाबा के स्कूल में, अभी क्योंकि इसके बाद कार्यक्रम रखा गया है जहाँ 2 कंप्यूटर दिया गया है, इतने गरीब बच्चे के नंगे पैर आते हैं, आप समझिए कि उनको कंप्यूटर कंप्यूटर कुछ पता ही नहीं है, तो हम लोगों ने देखा कि जाके कि वहां पर एक कंप्यूटर देना एक एक बहुत ही उसका पुण्य का काम होगा। देखिए एक गरीब बच्चों को ये सब सिखाना करना, और आपके जो सेक्रेटरी हैं डेढ़ साहब, उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप ट्रेनिंग दीजिए, क्योंकि स्कूल में वो चलाते हैं साउथ के जो सेक्रेटरी हैं, तो उन्होंने कहा कि भैया हम बच्चों को एकदम निशुल्क भेजिए, क्योंकि प्रोग्राम होता है पढ़ाने के प्रोग्राम अलग होते हैं, तो उन्होंने वहां के उसको ट्रेनिंग दी और वहां पर ट्रेनिंग देकर वहां पढ़ा रहे हैं, अभी आपको चल के वहां दिखाएंगे हम लोग किस तरह से वहां चल रहे हैं, और इतना अच्छा स्कूल है, इतना जो हम बोलते हैं तपोभूमि, गंगा जी के तट पर है, आप देखिएगा चल के तपोभूमि है, वहां हमारे राजीव भैया गए थे, हम लोग पिछली बोर्ड मीटिंग में थे, अरे पिछली गवर्नर विजिट में, तो जितने लोग वहां थे सब लोग इतने इंस्पायर्ड थे कि जो बोलते थे कि जो इस जगह के लिए चाहिए वो आप करा लीजिए, उन्होंने मुझसे बोला था कि सूरज जी जगह पर अगर 100 पंखे की जरूरत हो तो 100 पंखा मैं स्पॉन्सर कर दूंगा, लेकिन हमको 5 ही पंखे की जरूरत थी, 5 पंखा इन्होंने स्पॉन्सर कर दिया। राजीव जी भले वो सनराइज की मेंबर है, मैं तो आपको बता दूं कि मैं आज भी राजीव जी से बोल दूंगा राजीव जी मेरा ये काम करा दीजिए, तो राजीव जी को 50,000-1,00,000 कोई मतलब नहीं होता है, वो सनराइज होने के बाद भी हम लोग के लिए तैयार रहते हैं करने के लिए। इन्होंने 5 या 6 सिलाई मशीन भी मेरे को दी जो नौबा में चल रही है, हम लोग अभी जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि कोविड काल था, वहाँ पर बच्चों को बहुत ही गरीब बच्चे वहाँ गरीब महिलाएं सीख रही हैं, पूरा वो क्लास चलता रहता है, वहाँ भी हम लोग कार्यक्रम रखेंगे, बल्कि वहाँ के लिए उन्होंने फिर से कहा कि वहाँ मशीन की सुरेज की जरूरत पड़े तो फिर बताइएगा, मैं फिर सिलाई मशीन भी दूंगा। तो आप समझिए कि रोटरी की बाइंडिंग फेलोशिप हम लोग के क्लब तक सीमित नहीं है, क्लब के बाहर भी लोग दे रहे हैं। वैसे ही अस्थाना जी जिस समय उसका कार्य कर रहे थे कोविड काल में, हम लोग किसी की हिम्मत नहीं थी कि जाए, हमारे घर से हमारी पत्नी उसको अलाउ नहीं कर सकती थी कि इतनी रात भी जाके खाना बाकी है, ये कर रहे थे तो नॉर्थ ने इनको कितना सहयोग दिया है, ये हमारे मेंबर नहीं है साउथ के मेंबर है, लेकिन नॉर्थ ने सबसे ज्यादा इनको सहयोग किया होगा, हमारे कॉलोनी ने इनको सबसे सहयोग किया होगा, अस्थाना जी इसको बताएंगे खुद ही बताएंगे। तो हम लोगों ने ये सारी बाइंडिंग्स देखी थी, फेलोशिप के अंदर ये देखा गया कि पूरे बनारस के सारे लोग हमसे जुड़ सके, हम लोग ने इसके लिए काम किया है, हर काम को शुरू किया गया। वृक्षारोपण का आपने कार्यक्रम देखा ही होगा, एक सबसे अच्छा कार्यक्रम इस बार हम लोगों ने कोशिश की और भगवान के पास से हमारा और इनका घर चूंकि अगल बगल है, हर मेंबर के यहाँ वेडिंग एनिवर्सरी पर हम लोग जाते हैं, उनसे गाना गवाते हैं, उनको फूलमाला पहनाते हैं, उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं, और इस बार संयोग से आरसीबी गुप्ता जी के हम लोग गए खड़े हो जाइए गुप्ता जी, संयोग से आपको मालूम नहीं था इनकी 25वीं वेडिंग एनिवर्सरी थी, बड़े मेहमान आए हुए थे,
इतना इन्होंने नाचा गाया, हमने भी इनका खूब नाचा गाया, इतना आनंद आया। बॉस मेंबर्स का नाच गाना होता है, एक नई फेलोशिप, नया नया बॉन्डिंग डेवलप किया, जो इस साल जो जैन चालू किया है बहुत सक्सेसफुल। मैं आगे अध्यक्षों से अनुरोध करूंगा कि इसको वो चालू रखें, ये बहुत ही अच्छा प्रयोग क्लब ने किया है, बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। आंगनबाड़ी का तो आपको दिखाई चुके हैं, और जिस तरह से आंगनबाड़ी के कार्यक्रम हम लोग हर महीना 10-11 बच्चे जो चलते हैं उनको दे ही रहे हैं, हर महीने कार्यक्रम दे ही रहे हैं। हमारे जो नए सदस्य हैं, माने कि आप ये समझिए कि हर सदस्य इतना जुड़ गया है कि उसको लगता ही नहीं कि वो पुराना है, एकदम बॉन्डिंग हो गई है, और इतना आनंद से क्लब चल रहा है कि जो देखिए रोटरी में फेलोशिप को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया, फेलोशिप ही सबसे पहले आई थी और उसके बाद ही रोटरी ने जो सर्विस चालू किया, तो फेलोशिप को हम लोग इस बार सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। अगर फेलोशिप अच्छी रहेगी जैसे जैन जी ने बताया तभी आप कुछ कर पाइएगा। और हमारे बीच में पीडी जी हरिमोहन जी आए हुए, बहुत जमाने से हमारे क्लब से जुड़े हुए हैं, हर चीज उन्होंने देखा है, समझा है, अच्छे से बताएंगे, जानते हैं, और बहुत अच्छे से हम लोग इसीलिए कोशिश करते हैं चलाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं काम करता हूँ। कृपया तालियों से हमारे मंडल सचिव जी का दीपक जी आप आगे बैठे। थैंक यू। जैसा कि अब आयुर्वेद के उसमें निचोड़ को निकाला है और एक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया है, तो मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर आर के जायसवाल जी, शुभश्री भाभी आप आए, और मैं गवर्नर साहब से अनुरोध करूंगा कंचन भाभी जी के साथ में उस पुस्तक का विमोचन करें आप। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 3120 रोटेरियन के के श्रीवास्तव जी, हमारे डिस्ट्रिक्ट रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ के प्रेसिडेंट रोटेरियन सीए सतीश भैया, और रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ के चार्टर मेंबर पास्ट प्रेसिडेंट और वर्तमान के सेक्रेटरी सुरेश भाई साहब, समस्त पीडी जी, पास्ट प्रेसिडेंट, असिस्टेंट गवर्नर और रोटरी क्लब के हमारे सम्मानित सदस्यगण एवं भाइयों, एक्चुअली मैं इसका एक हमारे पुस्तक की शुरुआत इस तरह हुई, एक हमारे मामा जी हैं कलकत्ता में, वो आए हुए थे हमारे घर करीब 1.5 साल पहले, तो यहाँ नरिया में आर्य समाज का एक शताब्दी समारोह चल रहा था, वो हम लोगों को लिवा के गए, ले गए, हम लोग जाना नहीं चाह रहे थे लेकिन वो कहे नहीं चलिए चलना है आपको, तो हम दोनों लोग गए, तो वहाँ चारों वेद की छोटी छोटी पुस्तकें हम लोगों ने खरीद लिया और ले लिया, फिर वो घर पे ऐसे पड़ी की पड़ी रह गई। उसके बाद जब हमारा लॉकडाउन हुआ तो हम लोगों ने उस पुस्तक को निकाला और चारों, क्योंकि बहुत पतली पतली थी, हम लोगों ने पढ़ डाला। पढ़ने के बाद ये हुआ, बड़ा इंटरेस्ट हुआ, अरे हमारे वेद में ये चीज़ें हैं। फिर हम, हमारे एक मित्र हैं प्रोफेसर हरीश्वर दीक्षित जी, धर्म संकाय वेद विभाग में, बीएचयू में, हमने उनको फोन किया कि सर अभी तो लॉकडाउन चल रहा है लेकिन हमको वेद की कुछ बुक चाहिए। कहे अरे वेद की आप क्या करेंगे डॉक्टर साहब? हमने कहा नहीं हमको पढ़ना है, तो उन्होंने कहा था ठीक है हमारे पास यजुर्वेद है। हमने कहा नहीं हमको चारों चाहिए, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने फोन किया लाइब्रेरी वाले को, फिर लाइब्रेरी में हम जाके खुलवा के, कोविड काल में हमेशा ये बुक लाते थे, कभी ऋग्वेद लाए, फिर दूसरे राइटर का लाए, फिर यजुर्वेद लाए, सामवेद लाए, और उसके बाद अथर्ववेद लाए। तो जो चिकित्सा का पोर्शन है मोस्टली अथर्ववेद में मिलता है, सामवेद में तो कुछ नहीं मिलता क्योंकि उसमें गायन का ज़्यादातर चीज़ें हैं, और ऋग्वेद जो है वो ऋग्वेद में लगभग हर चीज़ें मिल जाती हैं, और ऋग्वेद जो है बिल्कुल ज्ञान का निरूपण है, और यजुर्वेद जो है कर्म कांड का निरूपण है, जितने हमारे कर्म, जैसे आज जब हमारे डीजी साहब आ रहे थे जो मंत्र उच्चारण हो रहे थे वो सब हमारे यजुर्वेद के बोले जा रहे थे वहाँ पे। उसके बाद सामवेद में गायन का है, अथर्ववेद में जो है सब चिकित्सा का ज़्यादातर पोर्शन मिलता है। तो हम लोग तो पहले लिख, जहाँ भी चिकित्सा मिलता था एक कागज, एक पैड पे नोट कर लिया करते थे, तो मिसल ने हमारे कहा कि इतना आप नोट कर रहे हैं क्यों नहीं इसको पुस्तक के फॉर्म में दे देते। मैंने कहा पुस्तक लिखना बहुत मुश्किल काम है, इसको बड़ा भूमिका बनाना पड़ता है, ऐसा करना पड़ेगा, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं लिख पाएंगे।
उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम भी तो पढ़ ही रहे हैं, आप बोलिए, मैं लिखता हूँ, मैं लिखती हूँ। और उन्होंने भी थोड़ा अध्ययन शुरू किया, फिर हम लोगों ने पढ़ने के बाद हम बोलते थे, इन्होंने पूरा इन्होंने ही लिखा रिटर्न में। तो हमें इस बुक में जो है सबसे पहले वेदों के बारे में दिया है, फिर उसके बाद अथर्ववेद के बारे में, ऋग्वेद के बारे में थोड़ा दिया है, और फिर ऋग्वेद में कहाँ कहाँ औषधियाँ आई हैं और ऋग्वेद में क्या चिकित्सा होती थी उसके बारे में दिया, फिर यजुर्वेद के बारे में थोड़ा सा दिया है, बहुत संक्षेप में है, बहुत बड़ा वेद उतना भी बड़ा नहीं है कि हम लोग पढ़ न सके, ये एक केवल कंसेप्ट है कि बहुत बड़ा वेद हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे। जब हम लोग पिछले 10 महीने में पढ़ सकते हैं चारों वेद, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग पढ़ सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। फिर हमने उसको सामवेद लिया, सामवेद में कोई चिकित्सा की चीज़ें नहीं मिली, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा दिया गया है बुक में, और लास्ट में हमने अथर्ववेद के बारे में थोड़ा डिटेल में दिया है, और जो जो हमें चिकित्सा मिली है वो हमने इसमें कंपाइल किया है, और लास्ट में वेद सुभाषितानि दिया है कि जैसे गायत्री मंत्र है और आपका और जितने प्रचलित मंत्र हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं कहाँ कहाँ ये उपस्थित हो सकते हैं और इनका क्या मतलब है, वो सारी इस बुक में हम लोगों ने कंपाइल किया है। थैंक यू भाई साहब, समझ आए। एक रोटरी क्लब के मामले में एक और मोति के रूप में हमारे एक और सदस्य, नए सदस्य, बहुत ऊर्जावान सदस्य हैं, उनको अभी डीलिट की उपाधि से नवाजा गया, तो हम लोग बोला कि इस परिवार में इस खुशी को मनाए। मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर अनूप मिश्रा जी को और चित्रा भाभी जी को, कृपया आप आए, और मैं गवर्नर साहब से अनुरोध करूंगा कि आपको एक स्टोल पहना के और इस डीलिट के बारे में आपको बधाई दे। ये कहाँ गए भाभी? आई में कार्य के लिए ही किया गया है, ये हमारे क्लब का भी सौभाग्य है कि हमारे क्लब में आयुर्वेद विधा से जुड़े हुए तमाम चिकित्सक और प्रोफेसर लोग हैं। क्लब की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई इस दिलीप की उपाधि के लिए। आप इस समय बीएचयू में कर्मचारी संकुल में चिकित्सक के रूप में कार्यरत है, बहुत बहुत ऐसा बधाई, थैंक यू। अब बारी आती है पूर्व अध्यक्ष मंडलाध्यक्ष श्री हरिमोहन शाह जी उपस्थित है, और इनको हम लोग अपने क्लब का संधि भी कहते हैं। अब आप समझ लीजिए कि संधि है और उसके मान में कोई कमी हो जाए ये तो हो नहीं सकता है, और जब तक संधि खुश नहीं है तो फिर आप बरात के बारे में कुछ सोच ही नहीं सकते। तो मैं अनुरोध करूंगा हरिमोहन शाह भाई साहब से, सर से, कि आप आए और आशीर्वचन से, आपने हमारे क्लब की समस्त गतिविधियों को बहुत सालों से बड़े सूक्ष्म रूप से आपने गौर किया है, और जैसा है कि भाई साहब के एक ही बुलावे पर, एक ही अनुरोध पर आप हमारे क्लब में कुछ देर के लिए ही आते जरूर है। सर आपसे अनुरोध है कि आप आए, हम लोग को खुद आशीर्वचन दें भाई साहब। धन्यवाद अतुल जी। मित्रों, सबसे पहले तो हम जिस परिसर में हैं इसलिए आप सभी को जय जिनेन्द्र। दूसरी बात कि इस परिसर का मूल जो मंत्र है उसको मैं न कहूं तो उचित नहीं होगा। रमो अड़ियंताड़म, रमो सिद्धारम, रमो आड़ियाड़म, रमो उच्छायाम, रमो लोहे सभ्य सावरम। इसके अतिरिक्त हम रोटरी से जुड़े हुए हैं तो पूरा विश्व हमारा है। आज हैप्पी वैलेंटाइन डे दिया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के भाई बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष सतीश जी और लाइफ लाइन ऑफ द क्लब, अभी किसी ने कहा सुरेश जी, यहाँ के तमाम पास्ट प्रेसिडेंट, कई लोगों को मैं पिछले 200 साल से देख रहा हूं,
समय बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन फिर भी 30 साल का ये क्लब और इत्तेफाक से इस क्लब के चार्टर प्रेसिडेंट, 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर उत्तम अग्रवाल जी हैं, जो रोटरी में जिनका प्रवेश मिड टाउन में हुआ था, उसके बाद जब ये इस क्लब की स्थापना के लिए वो यहाँ पर आए थे, तो श्रीवास्तव जी आपको ये बताऊं कि क्लब बहुत ही मजबूत नींव के साथ स्थापित है। इसी बीच में हमारे कार्यकाल के अध्यक्ष डॉक्टर साहब संजीव शर्मा जी, जो 2004-05 में प्रेसिडेंट थे, वो अभी भी मैं उनको देखता हूं तो मुझे खुशी होती है। आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, हम लोग तो पुराने काफी समय से जुड़े हुए हैं, तो पुरानी बात कुछ ज्यादा कर जाते हैं। बहुत ही मजबूत क्लब ये है, और निश्चित रूप से मैंने बराबर इस बात को देखा है कि सतीश जी, ऐसा नहीं है कि इस बार क्लब की गतिविधियां नहीं छपी, बराबर इस क्लब की गतिविधियां कम छपती हैं, क्योंकि जो क्लब के लाइफलाइन सुरेश जी हैं, इनका ही विश्वास है कि हम कर्म करें, हम जरूरी चीजों में नीचे तक जाएं, और कभी भी इनको मैंने इस बात के लिए नहीं देखा कि प्रचार प्रसार और फोटो में ये रहे, तो उसका असर पड़ता है, और ये शिकायत तमाम अध्यक्षों को रहती है तत्कालीन गवर्नर से। लेकिन इस बार श्रीवास्तव जी बहुत प्रभावित हैं निश्चित रूप से, और अब आने वाले दिनों में लगता है कि ये परिपाटी परिवर्तित होगी इस नए जमाने के साथ। आज का दिन बहुत बातें करने का हमारा नहीं है, पहले जमाने में जब इसके संस्थापक उस वक्त सोनलाल जी थे, उस वक्त ये टोक दिया जाता था कि गवर्नर, जब गवर्नर विजिट हो तो कोई भी स्पीकर नहीं बोलेगा, ये बोला जाता था। ये हम लोगों के इसमें है कि भाई और अन्य प्रोग्राम होगा, इंस्टॉलेशन होगा, और भी प्रोग्राम होगा, तो उसमें जरूर हम आशीर्वचन दें, जरूर हम कुछ बोलें, लेकिन गवर्नर विजिट में सारी बातों को प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी को बताना है, और गवर्नर को अपने विषय को बताना है। तो मैं इतना ही कह सकता हूं आप लोगों को कि आज का दिन गवर्नर का है, आपका क्लब बहुत समृद्ध क्लब है, और आपके क्लब के हर कार्य उसको सतीश जी ने एक नई ऊंचाई दी है, आने वाले अध्यक्ष भी उससे प्रेरणा लेंगे। आप सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने का और अवसर के लिए। आज का दिन हमारे मंडला का दिन होता है, गवर्नर का ऑफिशियल विजिट होती है, तो एक परिपाटी है कि अपने गवर्नर के बारे में हम लोग जाने, एक परंपरा है, अधिकतर लोग जानते हैं लेकिन बहुत लोग नहीं भी जानते हैं, तो इस अपने गवर्नर को बारे में कुछ बातें बताने के लिए एक छोटी सी क्लिपिंग प्रस्तुत है हमारे गवर्नर जी बारे में। दर्शन Mm-hmm.
रिक्वेस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के के श्रीवास्तव जी टू प्ले अतुल भैया बहुत अच्छा मंच का संचालन करते हुए और जो ये इंट्रोडक्शन था सर मैं बताऊं मैंने करीब 35 क्लब को विजिट कर लिया और पहला इंट्रोडक्शन इस तरह का था इसके लिए मैं वाराणसी नॉर्थ इस तरह से समराइज किया बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छा क्योंकि इस समय तक आते आते जब इंट्रोडक्शन पढ़ा जाता है तो लोग सोने लगते हैं या सोचते हैं कि अब क्या होगा जल्दी से जल्दी खत्म बहुत अच्छा बहुत बहुत बधाई ईश्वर हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ हम तो कहेंगे गाइड भी क्योंकि जब भी प्रॉब्लम होती है हम आपसे बात जरूर करते हैं हमारे PDG हरिमोहन शाह सर हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी दीपक अस्थाना जी असिस्टेंट गवर्नर संजय जी नहीं हैं अभी क्योंकि कोविड की वजह से और ठीक भी है रेस्ट करना उनका संजय श्रीवास्तव जी हैं असिस्टेंट गवर्नर राजीव जी थे अभी और हमारे देवेंद्र मोहन गुप्ता जी फर्स्ट लेडी कंचन जी डायनेमिक प्रेसिडेंट में बोलूंगा इस समय जिस तरह से आपके काम हैं और ये 3S का कॉम्बिनेशन है बहुत जबरदस्त जो मैंने अभी तक देखा सतीश जी सुरेश जी एंड सपना जी तो इसके लिए इसीलिए मैं रहा हूं परसों रात में भी हम लोग थे लेकिन जिस तरह से एक टीम की तरह से आप लोग काम कर रहे हैं बहुत बड़ा अचीवमेंट है वाराणसी नॉर्थ का हमारे बीच में इनके द्विवेदी जी भी हैं इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट इंद्र सेन जी भी हैं आपके बारे में मैं संजय जी ने बहुत ज्यादा बताया था संजय जी से जब हमारी मुलाकात हुई IPDG से तो जब उन्होंने वाराणसी नॉर्थ का जो भी आप जिक्र कर रहे थे वो संजय जी ने पर्सनली हमको जिक्र करके बताया था अगर डॉक्यूमेंटेशन देखना है तो वाराणसी नॉर्थ का देखिए रियली इसके लिए बहुत बहुत बधाई हमारे बीच में जितने भी रेस्पेक्टेड रोटेरियंस हैं दूसरे क्लब से रमेश जी भी मौजूद हैं बहुत लोग हैं नर्मदा जी हैं मैं जनरली बहुत लोगों को जानता हूँ पर्सनली जब बनारस आता हूँ तो मुलाकात होती है उनसे रेस्पेक्टेड लेडीज जूम के थ्रू डॉक्टर साहब से एक प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी जो आपने ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम को फर्स्ट लेडी ऑफ द क्लब जितने भी ऑनरेबल गेस्ट हैं सभी को बहुत बहुत नमस्कार और मुझे यहाँ बुलाने के लिए मैं धन्यवाद दूंगा सतीश जी एंड सुरेश भैया आपको सुरेश भैया को भी मैं बहुत अपना वरिष्ठ मानता हूँ बहुत सी चीजें हैं जो मैं इनसे सीखता हूँ और ये बहुत अच्छा है कि जब कोई वरिष्ठ क्लब के साथ जुड़ा रहता है तो वो क्लब निरंतर उन्नति करता है जिसका रिजल्ट आज ये दिखाई दे रहा है ये एक युवा का और एक्सपीरियंस का संगम है और जहाँ पे ये दोनों संगम हो जाता है तो जैसे संगम पवित्र है वैसे क्लब भी पवित्र होता है बहुत अच्छा दूसरा आपने जो आज लोगो डिजाइन किया हुआ है वो अगर आप उसको बहुत गौर से देखें तो सूर्य का दूसरा स्वरूप दिखाई देता है सूर्य की भी किरणें इसी तरह से निकलती हैं उसी तरह से आपके लोगों में निकल रही हैं और ये चमक कभी खत्म नहीं होगी जब तक सूर्य है तब तक वाराणसी नॉर्थ का मुझे जहां तक प्रोजेक्ट्स की बात है जितने भी प्रोजेक्ट किए ये पीरियड हम लोगों का एक बुरा दौर था ये मान के चलिए 6 महीने हम लोगों ने बहुत बुरा समय बिताया चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो चाहे वो किसी क्लब लेवल पे हो हम लोगों को जब हम लोग ट्रेनिंग पे गए सैंडिया को तो जो हॉलगर ने रोटरी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है उन्होंने अपनी थीम प्रोड्यूस करी रोटरी ओपन्स अपॉर्चुनिटी तो उनको नहीं मालूम था कौन सी अपॉर्चुनिटी हम लोग अवेल करने जा रहे हैं आने वाला समय बहुत खराब हुआ लेकिन इसमें भी हम लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी निकाली और उसका रिजल्ट ये रहा कि डिस्ट्रिक्ट सेमिनार्स भी हमने वर्चुअल करी और आपने भी जितने प्रोग्राम्स किए वो रिकॉर्ड प्रोग्राम है क्योंकि एक दिन आपको जब वो निकालना पड़ा कि संडे को रेस्ट है तो बहुत बड़ी चीज है कि आपने हर संडे को प्रोग्राम किया और सारे प्रोग्राम हिट प्रोग्राम थे क्योंकि वाराणसी के 10 या 9 क्लब मिलके कर रहे थे और आप उसको लीड कर रहे थे तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई पूरी एंटायर टीम को सतीश जी बहुत अच्छा काम हुआ है
के लिए आप निराश ना होइए, जो जीएमएल की आपने बात करी वो भी एक बुरा दौर था। ये भी मैं आपको बता दूं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बुरा दौर था, जहां पे जीएमएल प्रिंट होनी थी वो पूरी की पूरी जो शॉप थी उसके जो वर्कर्स थे वो कोविड से अफेक्टेड हो गए। उनके पास जो भी रिकॉर्ड थे हम लोग जा नहीं सकते थे, तो टेलीफोन पे ही सब कुछ होता था, तो वो सब वर्बल की वजह से पूरा सिस्टम बिगड़ा। अब वो सुधर गया है और आप बिलीव नहीं करेंगे, जनवरी से ऑनवर्ड्स, क्योंकि वो 6 महीने मैंने का पूरा दौर था वो निकल गया, अब नया दौर है। और इस बार हमने जो क्लब्स का एक वो बनाया है, शॉर्ट क्लिप्स बनाई है, वो हाफ पेज को पर क्लब को दे रहे हैं, और आप बिलीव नहीं करेंगे जनवरी ऑनवर्ड्स वाराणसी नॉर्थ को कोई शिकायत नहीं होगी कि मेरी कोई भी, क्योंकि मैं फोटो नहीं छापने जा रहा हूँ, उसके डिटेल छापने जा रहा हूँ हर क्लब के, जिन क्लबों ने काम किया है और उसमें वाराणसी नॉर्थ है, तो इसलिए वो भूल जाइए। मैंने कहा ना वो बुरा दौर था वो भूल जाइए, जो हो गया वो हो गया, हम लोग अब कोविड से बाहर आ चुके हैं, वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और धीरे धीरे उम्मीद है कि हम जब जून 30 तक जाएंगे, जून 20 तक, तो बहुत कुछ सुधर चुका होगा, वैक्सीनेशन का सेकेंड राउंड भी हो चुका होगा, लेकिन फिर भी हमें तो प्रिकॉशन लेना है कि कब कौन सा वायरस हमारे ऊपर अटैक कर जाएगा। कि आपने बीच में देखा होगा लेवल 2 भी आ गया, फिर उसके बाद बीच में आ गया कि ये बर्ड 2 भी आ गया, तो एक डर सा बन गया है, एक दहशत का माहौल बना है, हम लोग निकल चुके हैं लेकिन फिर भी हमें प्रिकॉशंस लेनी है। ठीक है, हम लोगों ने मास्क को थोड़ा थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर दिया है, लेकिन इसको अवॉइड नहीं करना है और हमें इसको कंटिन्यू करना है, कि कब कौन सी चीज कहां से आ जाए कुछ नहीं कह सकते, किसी को नहीं मालूम था। जनवरी में हम लोग 1 महीने ट्रेनिंग पीरियड में थे, हम लोगों को नहीं मालूम था लौट के इंडिया जाएंगे और जाते ही आप पर टूटेगी। हमने AGTS करी, पैट सेट हमें 2 दिन पहले कैंसिल करनी पड़ी कि ऐसा ना हो कोई भी अफेक्टेड हो जाए, उस समय उतना इफेक्शन नहीं था कोविड का, लेकिन डर यही लगा कि अगर कोई अफेक्टेड हो गया मास्क में तो हम शायद जवाब नहीं दे पाएंगे कि हमारी वजह से वो अफेक्टेड हुआ। तो ठीक 2 दिन पहले बहुत लोग रास्ते में थे जब हमने उनको इन्फॉर्म किया कि पैट सेट हमारी कैंसिल हो चुकी है और वो हम जूम पे बिताएंगे, तो वो बहुत बुरा दौर हम लोगों ने देखा है। शायद हमारे जो बच्चे हैं वो आगे चल के बताएंगे कि कभी इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में प्लेग के बाद इस तरह का दौर कोविड ने अटैक किया था, लेकिन अब वो बीता है। हम लोग के पास अभी भी 5 महीने हैं, अभी जो हम लोगों की मिड रिव्यू मीटिंग हुई दिसंबर में उसमें भी हम लोगों को यही बताया गया, हमारे RIP शेखर जी भी थे, कि अब आपको 5 महीने बच गए हैं, इसमें काम करिए। और निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट में सर जो पैंडेमिक में काम हुआ है वो शायद नॉर्मल स्थिति में काम ना हो, इतने प्रोजेक्ट्स हुए चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो वर्चुअल हो, वो एक रिकॉर्ड टाइम हुआ है। हमारे पास 3 नए क्लब बन के आ गए, 2 क्लब ऑल विमेन क्लब हुआ करते थे, वाराणसी वृंदा एंड इलाहाबाद रॉयल, इस साल जुलाई में पहला क्लब बना रोटरी बाराबंकी शक्ति, और दूसरा क्लब फॉर्म हुआ गोरखपुर है, गोरखपुर यूफोरिया के नाम से। हमारे पास 3120 में इस समय 4 ऑल विमेन क्लब हैं, और मैं तो क्रेडिट दूंगा वाराणसी वृंदा को कि इन्हीं से वो मिली कि उपलब्धि की जो इतना बड़ा काम कर सकता है एक ऑल विमेन क्लब, तो और भी विमेन क्लब क्यों नहीं फॉर्म हो सकते हैं। और रिजल्ट ये है कि शायद बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर अंदर अपने डिस्ट्रिक्ट में 6 ऑल विमेन क्लब हो जाएंगे। अभी एक मऊ में प्रस्तावित हो चुका है, उसमें सारी डॉक्टर्स हैं, पहली बार उनके इतिहास में हो रहा है। डॉक्टर HN सिंह की वाइफ को मैंने इंडक्ट किया अभी जब गए, पहली बार उनके यहाँ कोई लेडी मेंबर बनी, और जब उन्होंने रोटरी के बारे में सुना तो उन्होंने कहा कि भैया हम क्या बना सकते हैं एक क्लब, तो हमने कहा आप बना सकती हैं, तो बोली हमारी जितनी भी गायनेकोलॉजिस्ट हैं मऊ के अंदर मैं उनको लेके एक क्लब फॉर्म करूंगा, तो हमने कहा शायद आप करेंगी, तो हमारे एरिया ऑफ फोकस जो है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप लोग करके ले जाएंगे, और बहुत जल्दी मऊ में शायद ऑल विमेन क्लब एक फॉर्म हो जाएगा। एक आपके बनारस में भी अभी फॉर्म होने की तैयारी में है, थोड़ा सा लेट हुआ है क्योंकि जो हमारे वाराणसी साउथ की प्रदीप डे, उनकी लड़की, उसके भी शादी हुई थी, इस वजह से थोड़ा वो रुक गया, वो क्लब बहुत जल्दी फॉर्म होगा, शायद मुझे लगता है कि फरवरी में हो जाएगा, दीपक जी फरवरी लास्ट तक हो जाएगा, उसमें वो सारे बच्चे हैं, यंग लड़कियां हैं उस क्लब में, वो सब वो क्लब फॉर्म करने जा रही है, और शायद वो बहुत अच्छा काम करेगी। जैसे कि गोरखपुर यूफोरिया है, उसमें जो प्रेसिडेंट है वो वहां की युगल की प्रेसिडेंट सुधा मोदी की बहू है, और उसमें जितने मेंबर हैं या तो वो बहू हैं या वो बेटियां हैं, और वो उनसे ज्यादा काम कर रही हैं क्योंकि उनके अंदर एनर्जी भी आ गई है, एज ग्रुप भी है, बिल्कुल नई जनरेशन है, तो ये बहुत अच्छा अचीवमेंट हुआ।
इस साल जो दूसरा अचीवमेंट हुआ मेंबरशिप में सर, जब रिव्यू मीटिंग हुई दिसंबर में तो अपना डिस्ट्रिक्ट 99% रिटेंशन के साथ में, बाकी पूरे वर्ल्ड में रिटेंशन नहीं हो पाया। बहुत से डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे अपने इंडिया में ही जिनकी 4000 की मेंबरशिप 2200 में कन्वर्ट हो गई, लेकिन अपना डिस्ट्रिक्ट -7 के फिगर के साथ था और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था। और आज की तारीख में वो -7 भी खत्म हो चुका है और हम लोग +51 हो चुके हैं और हमें उम्मीद है कि शायद हम जब हैंड ओवर करेंगे हम समर जी को नेक्स्ट, तो हम +200 की फिगर के साथ में करेंगे और इस विपरीत परिस्थितियों में भी ये मेंबरशिप बहुत मायने रखती है। दूसरा पब्लिक इमेज, अनलिमिटेड प्रोग्राम हुआ है। आपके जूम के जितने प्रोग्राम थे पब्लिक इमेज से रिलेटेड थे, क्योंकि आप जूम पे कर रहे थे, एक आपने स्कॉटलैंड के साथ में किया वो भी पब्लिक इमेज था और बहुत अच्छा बॉन्डिंग रही इस वाराणसी नॉर्थ की। ये सब पूरी एक समरी बनी हुई है और आपका स्कॉटलैंड का प्रोग्राम तो मैंने भेजा हुआ है, जो कि इस बार एक उपलब्धि यह भी रही कि रोटरी न्यूज ट्रस्ट ने हर महीने की बुकलेट में 3120 को प्रोजेक्ट को एक छोटे कॉलम में ना देके एक फुल पेज में दिया हुआ है। अभी तक जितनी रोटरी न्यूज ट्रस्ट आई है उसमें आपका एक प्रोजेक्ट है पेंडिंग, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा मैंने भेजा है, लेकिन हो सकता है कि जून से पहले पहले वाराणसी नॉर्थ का एक प्रोजेक्ट आपका उसमें आ जाए, ये भी उपलब्धि थी। दूसरी उपलब्धि, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग हुई गोरखपुर में, प्रोजेक्ट था संजय जी के टाइम की ग्रांट थी वो, और जो हम लोगों ने एक एक्सरे मशीन एंड अल्ट्रासाउंड मशीन वहाँ प्रोवाइड करी उसका लोकार्पण था और उनसे बहुत अच्छी वार्ता हुई, बहुत समय दिया उन्होंने, जो कि मेरे लिए मेरे अपने जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, और वो फोटो अभी फरवरी के उसमें उन्होंने प्रिंट किया है रोटरी न्यूज ट्रस्ट में, प्रमुखता से उसको छापा है और पूरी डिटेल लिखी है। तो 3120 हम तो पैंडेमिक में बूंद मानेंगे कि बहुत अच्छी तरह से हमारे प्रोजेक्ट हुए और इसके लिए मैं सारे रोटेरियंस को बधाई दूंगा कि उन्होंने पीछे नहीं हटे कि कोविड है, सब फ्रंट में आए और फ्रंट लाइन में आके उन्होंने काम किया। नॉर्थ की जहां तक ये स्थान है भगवान पार्श्वनाथ का, बहुत पवित्र स्थल है और मैं धन्यवाद भी दूंगा नॉर्थ की टीम को कि वो मुझे यहाँ लेके आए, रियली एक आध्यात्मिक जो एक शक्ति दिखाई दे रही है वो यहाँ के अंदर है। और अभी जैसे वो संस्कृत में, मुझे संस्कृत बहुत टफ लगती थी, जैसे बोले कि मैं 22 दिन में संस्कृत सिखा दूंगा, तो मैंने कहा मैं तो रामा 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 रटते रटते परेशान हो जाता था, मुझे संस्कृत का पेपर होता था और बड़ी मुश्किल से लिख पाता था, आप ऐसे फ्लुएंट बोल रहे हो, तो जैसे आपने बताया कि सीख गए, तो मैं भी कोशिश करूंगा कभी बना जाऊंगा तो एक दिन बैठूंगा उनके साथ और कोशिश करूंगा संस्कृत को, कि एक विश्व की सबसे क्लिष्ट भाषा और सबसे अच्छी भाषाओं में से संस्कृत है। बाकी आपने जितने भी प्रोग्राम किए हैं वो रिमार्केबल है, उसके लिए मैं बधाई दूंगा। सबसे बड़ी बधाई दूंगा सर, जो आज मुझे अभी बुकलेट दी गई है 33 क्लब में से सबसे अच्छी बुकलेट आज मुझे मिली है। मैंने अभी सारे पढ़ने नहीं पढ़े, मुझे तरह से बनाई है इंडेक्स के साथ में, बहुत बहुत बधाई सतीश जी एंड सुरेश भैया आपको इस तरह की बुकलेट बनाने के लिए, रियली बहुत मतलब कमाल का काम है। और जब हो सकता है कि हम अप्रैल में आपसे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट लें तो स्थिति और अच्छी होगी और बाकी डिटेल तो फिर मैं आगे बताऊंगा क्या होगा। एक मेंबरशिप पे जरूर इस समय एक पॉलरिस चैलेंज चल रहा है, वो मैंने आपसे डिस्कस भी किया है, क्योंकि आपकी मेंबरशिप 40 है, 5 आपने इंडक्ट किए हैं सर, तो अगर मई तक अच्छे खासे नंबर समझो मई तक दे दीजिएगा, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन ये 5 अभी आप rotary.org पे जरूर अपलोड कर दीजिएगा 20 फरवरी से पहले। ये आपकी मेंबरशिप पे, क्योंकि मेंबरशिप का लॉस बहुत ज्यादा हुआ है, तो पॉल हैरिस चैलेंज इंडिया में दिया गया है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को, उसमें जो भी क्लब 5 मेंबर कर लेते हैं उनके लिए स्पेशल अवार्ड है और ये अवार्ड डिक्लेयर हो जाएगा 23 फरवरी को, जो कि रोटरी डे हमारा। तो हम ये चाह रहे हैं जो वाराणसी नॉर्थ अपना टॉप पे चल रहा है तो इसमें क्यों पीछे रहे और ये 5 मेंबर ऐड करिए, एक एडिशनल अवार्ड है और वो सर्टिफिकेट साइन किया जाएगा रोटरी इंटरनेशनल डायरेक्टर कमल सांगवी जी द्वारा। तो हम चाहेंगे कि इसको अपलोड करके हमको जरूर बता दीजिएगा, तो हम उसको 23 तारीख को अनाउंस कर देंगे और ये अवार्ड आपको डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस में मिलेगा, ये अवार्ड फंक्शन तक नहीं जाएगा। अवार्ड फंक्शन में मेंबरशिप का है ईच वन ब्रिंग वन में, लेकिन वो इस बार फलीभूत नहीं हो पाया है क्योंकि कोविड में बहुत मुश्किल था, रिटेन करना बहुत मुश्किल था और एक्सटेंशन तो बहुत बड़ी बात थी,
कि हम अपने मेंबर को रोक पाते इस कोविड में, तो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और आपने किया भी है। तो 5 को वो करके जरूर हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा जिससे कि हम वो अवार्ड डिक्लेयर कर सकें नॉर्थ का। इस साल पब्लिक इमेज पे भी बहुत प्रोग्राम हुए और ट्री प्लांटेशन तो आपने किया ही किया है। अब अतुल भैया आप एरिया फोकस 7 हो गए हमारे, 7 एरिया फोकस एनवायरमेंट इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ और उसमें ऑलरेडी आपने काम किया हुआ है तो आप उसके हकदार हो गए क्योंकि उस पे जो अवार्ड है इसी साल से शुरू हो गया है ट्री प्लांटेशन पे। और हमने ट्री प्लांटेशन जो देखा वो चूंकि आयुर्वेदिक पैटर्न पे है तो ये अलग तरह का है, एक जनरल ट्री प्लांटेशन होता है, एक बॉटेनिकल है, एक जो आप आयुर्वेद पैटर्न पे करते हैं। अभी जो बुक है इस पे हम लोग पढ़ेंगे भी इसको आगे कैसे ऋग्वेद और सामवेद है, तो इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देंगे हम वाराणसी नॉर्थ को इस तरह का प्रोग्राम करने के लिए। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है चूंकि डॉक्टर्स हैं आपके क्लब में, डॉक्टर संजीव जी हैं, एक प्रोग्राम चल रहा है आरआई डायरेक्टर का डॉक्टर भरत पांड्या का, एक चम्मच कम 4 कदम आगे। इसमें कुछ नहीं करना है, जब भी आप मेडिकल कैंप करें तो इसमें एक रिकॉर्ड जरूर रख लें जिसमें आप बीपी शुगर वेट ये सब चीजें नाप लें और उसका एक रिकॉर्ड बना के हमको भेज दें पर मंथ का। अगर उनका 6 महीने का चेकअप हो जाता है तो ये रिपोर्ट सीधे डॉक्टर भरत पांड्या को जाएगी। इस क्लब ने इस तरह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट ही नहीं है, हम मेडिकल कैंप कहते हैं जरूर इसमें ईसीजी वगैरह करते हैं, ब्लड प्रेशर करते हैं, तो ब्लड प्रेशर का, ब्लड शुगर का एंड वेट का, इन 3 चीजों का एक रिकॉर्ड बना देगा पेशेंट का नाम क्या क्या था, किस महीने में क्या रिपोर्ट थी, वो भेज दीजिएगा। उस पर भी एक स्पेशल अवार्ड वो भी आरआईटी डॉक्टर भरत पांड्या की तरफ से है, तो वो हम चाहेंगे कि वाराणसी नॉर्थ क्योंकि डॉक्टर्स अपने क्लब में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लिटरेसी आपका अभी हम लोग शायद चल ही रहे हैं वहां पे उस स्कूल में, तो लिटरेसी प्रोजेक्ट आप कर ही रहे हैं। रोट्रैक्ट का हम जरूर चाहेंगे, रोट्रैक्ट है आपके क्लब में कि नहीं? नहीं है, तो कोशिश करिए। तो भैया उन्होंने फॉर्म किया था सर, लेकिन चल नहीं पाया था रोट्रैक्ट। तो इस साल रोट्रैक्ट पे काफी जोर दिया वल्गर ने, दो ही वुमेन एम्पावरमेंट पे और रोट्रैक्ट पे, तो रोट्रैक्ट अगर हो जाता है बहुत बड़ी बात नहीं है, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में रोट्रैक्ट फॉर्म कर सकते हैं। स्कूल बेस ज्यादा बेटर पड़ता है, कम्युनिटी में थोड़ी सी दिक्कत आती है। स्कूल में क्या होता है कि शुरुआत आप करते हैं बाद में स्कूल मैनेजमेंट संभाल लेता है तो वो क्लब सस्टेनेबल हो जाता है और चला करता है, तो रोट्रैक जरूर एक ओपन कर लीजिए और भविष्य के जो हमारे रोटेरियंस हैं वो रोट्रैक से ही मिलेंगे हमको, ये जरूर है। पब्लिक इमेज में हम लोगों ने 2 प्रोजेक्ट इस समय लेके चले इस साल, एक आपको याद होगा स्तुति जी के पीरियड में एक बेबी फीडिंग कॉर्नर करके प्रोजेक्ट आया था, उस समय उतना ज्यादा नहीं, इस साल बहुत इफेक्टिव है और मैक्सिमम क्लब मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट उसको कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है पब्लिक इमेज का। तो कोशिश करिए अगर बेबी फीडिंग कॉर्नर कहीं पे भी पब्लिक प्लेस पे लग जाए तो वो अपना बहुत अच्छा प्रोजेक्ट होगा। दूसरा रोटरी वेलकम बोर्ड, बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट्स नहीं है इस बार चूंकि कोविड की वजह से, पब्लिक इमेज के भी प्रोजेक्ट्स में इसी तरह के रखे हैं हम लोगों ने। दूसरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर से कि अगर जैसे उनका प्रिस्क्रिप्शन है उस पर अगर वो रोटरी का लोगो छपवा लेते हैं तो वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है हमारे पब्लिक इमेज का। लोगों से फायदा ये होता है कि आपसे जरूर कोई पूछेगा कि ये है क्या चीज, आप उसको बता सकते हैं कि रोटरी क्या है क्या करता है, तो उससे हमारी पब्लिक इमेज बढ़ती है और बहुत से लोग जुड़ना चाहते हैं रोटरी से कि अगर हम मेंबरशिप चाहें तो कैसे मिलेगी। तो आपको क्वालिटी के, क्योंकि आपके पास जो सर्किल होता है वो क्वालिटी सर्किल होता है, आपको जरूर क्वालिटी के मेंबर्स मिल जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल अभी बॉम्बे में चल रहा है, हमारे जो बैचमेट्स हैं क्योंकि बॉम्बे सारी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं तो उन्होंने बिल्डिंग के हिसाब से क्लब खोल रखे हैं। अगर वहां पे 400 फैमिलीज रह रही हैं तो एक रोटरी क्लब चल रहा है और उसमें से वो छांट लेते हैं किसको रखना है किसको नहीं रखना है। मुझे वही नजर आई बॉन्डिंग अभी जब मैं आपकी कॉलोनी में गया तो वहां पे इस तरह के क्लब्स खोले जा सकते हैं, आप कपल क्लब खोल सकते हैं। अब तो बहुत से क्राइटेरिया आ गए क्लब खोलने के लिए, सास क्लब बहु क्लब खोल सकते हैं, नया आपने एग्जांपल दे दिया। कोशिश करिए अगर पॉसिबल हो तो जरूर करिए क्योंकि है आपके पास एक्सपीरियंस, बैठे ही हुए हैं सुरेश भैया हमारे और आपके अंदर एनर्जी है, इस साल नहीं तो अगले साल जो हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं वो भी सामने ही बैठे हुए हैं तो वो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को। एंड लास्ट में अगर हम फाउंडेशन के बारे में ना बोले तो
रोटरी के लिए और मेरे लिए भी गलत होगा। फाउंडेशन एक ऐसी चीज है, रोटरी का फाउंडेशन, जो उसमें जरूर दान करना चाहिए। मेरे हिसाब से इससे बड़ा दान कोई दान नहीं, क्योंकि ये जो पैसा हम देते हैं, 10 रुपए भी दें, 5 रुपए भी दें, ये वापस कहीं ना कहीं जाता है किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी के फायदे के लिए। लास्ट अभी IPDG संजय भाई के पीरियड में अतुल जी तो $25,000 उन्होंने कोविड से लड़ने के लिए दिए थे, और ऑल जितने भी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स थे उस पीरियड के, सबको उन्होंने 25,000 किए, और जो एनुअल फंड था सर वो करीब करीब नील हो गया रोटरी का। अब हम लोगों से रिक्वेस्ट की गई कि मैक्सिमम आप जितना भी कर सकते हैं इस पीरियड में करिए, और वो भी एक रिकॉर्ड हुआ है कि अपना जो जोन है इंडिया से, लास्ट ईयर भी हम नंबर 2 पे थे और इस पीरियड में भी हम नंबर 2 पे वर्ल्ड, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया से। फाउंडेशन में काफी पैसा दिया जा रहा है और ये पैसा कभी भी बेकार नहीं जाता। आप $26.50 दीजिए, कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होती है, इस समय तो 73 रुपीज का रेट है, 1950 रुपए की वैल्यू करीब आती है, 1950 रुपए देने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन एक ये हो जाता है कि अगर आपके यहाँ तो बहुत PHF और MPHF मैंने देखा है, लेकिन जो नहीं है वो $26.50 दे सकते हैं। इससे एक फायदा ये होगा, आपका क्लब 100% डोनर में शामिल हो जाएगा, और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट फाउंडेशन के लेवल पे होगा कि कुछ ना कुछ आपने कंट्रीब्यूट फाउंडेशन में किया। अभी नहीं करिए, कोई जरूरी नहीं भी, बहुत लंबा पीरियड है, बट $26.50 देने में मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं। जो ज्यादा दे सकते हैं उनके लिए भी मना नहीं है। एक एग्जांपल आपने देख ही लिया सुबह सुबह भैया के घर के संजय गुप्ता जी जो AG हैं, हमने बताया ना 3S का कॉम्बिनेशन है, और हमारे AG भी संजय गुप्ता जी, तो उन्होंने $1,000 का एक चेक अभी सुबह ही सुबह हमको दिया, तो एक बहुत बड़ी बात होती है, उनको मैं बधाई भी दूंगा, धन्यवाद भी दूंगा। और तो ये अगर कर सकते हैं, इस बार हमने कोई कंपलसरी नहीं किया सर, जो दे सकते हैं, क्योंकि स्थिति बहुत खराब रही पिछले 6 महीने में जो पोजीशन थी, तो किसी से ये प्रेशराइज नहीं किया कि आप दीजिए, रिक्वेस्ट किया अगर आप दे सकते हैं तो जरूर करिए, रोटरी में दान जरूर करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ये दान कभी बेकार नहीं जाता, क्योंकि रोटरी में की गई सेवा कभी बेकार नहीं जाती, किसी न किसी रूप में हमारे जीवन वापस जरूर आती है। तो लास्ट यही रिक्वेस्ट है, इसी के साथ बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि समय भी हो रहा है और आगे हम लोगों को चलना भी है। मैं धन्यवाद दूंगा पूरे क्लब को, इस पोजीशन में भी मैक्सिमम लोग अवेलेबल हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और मैं धन्यवाद अपने को भी दूंगा कि मुझे मौका मिला सतीश जी आपके यहाँ नॉर्थ की विजिट करने का। मैं परसों से साथ में हूँ सर, परसों रात में हम लोग थे साथ में, और बहुत अच्छा लग रहा, मुझे नहीं लग रहा कि मैं बाराबंकी क्लब और नॉर्थ में कोई अंतर कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा होम क्लब है। तो भाई साहब, आपने हमारे क्लब को अपने आशीर्वचनों से संचित किया, हम लोग भी आपको अपने बीच में पाकर अपने आप को बहुत अभिभूत महसूस कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम की यादों को सजोने के लिए एक परंपरा रही है कि हम स्मृति चिन्ह के रूप में एक मोमेंटो प्रदान करते हैं, तो मैं अपने निवर्तमान अध्यक्ष इंद्रसेन सिंह भाई साहब को निवेदन करता हूं कि आप आए, और अध्यक्ष जी से और प्रीति भाभी से, कंचन भाभी से, और हमारे गवर्नर साहब से मैं अनुरोध है कि आप डायस पर आगे आए और वो मोमेंटो इस मोमेंटो को विशेष रूप से हमारे अध्यक्ष जी ने तैयार कराया है कि, और आशा है कि आपके ड्राइंग रूम में ये हम लोग की आज के कार्यक्रम की स्मृतियों को तरोताजा रखते ही। समय बाकी है, मैं क्लब के सचिव सुरेश भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि वो सचिव की घोषणा करें। अगला कार्यक्रम तो होगा ही, 21 तारीख को डिस्ट्रिक्ट अवार्ड फंक्शन है,
तो ऑलरेडी चूंकि वो क्लब का ही कार्यक्रम माना जाएगा, उसके लिए आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिस्ट्रिक्ट अवार्ड फंक्शन में ज्यादा से ज्यादा लोग आए। और शाम के कार्यक्रम के लिए जो कि हम लोग ने प्रोग्राम ऑफ द ईयर का उसको टाइटल दिया, आइएगा, उसको एंजॉय करिएगा, आनंद लीजिएगा, सपत्नीक आइएगा और आपको एक नया वहां पर फीलिंग होगी। हम लोग ने इनके सम्मान में, आज के डीजी के सम्मान में वो कार्यक्रम आयोजित किया है। पिछले साल हम लोग ने किया था, दो साल पहले जबकि हमारे शैलेंद्र थे उसमें का बहुत छोटा रूप था, वो 20% था, तब भी वो उनको बहुत ही प्रभावित किया था। और मैं चाहूंगा, मैंने जो आपके रत्नेश जी ने उसके लिए बहुत तैयारी की है, बहुत ज्यादा डेडिकेशन से वो 3 दिन से लगातार वो 12 घंटे वहां लगे रहते हैं और बहुत ही कार्यक्रम को जैन जी ने उन्होंने सबने मिल के चौकआउट किया हुआ है। आप आइए और उसका एंजॉय कीजिए। हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग के यहाँ आज गवर्नर भी है, आपके उसमें सम्मान भी कार्यक्रम किया गया है। और अभी हम लोग बाबा आश्रम जाएंगे, जो हम लोग के प्रोजेक्ट हैं वो दिखा दिए जाएंगे, जहाँ हम लोग काम कर रहे हैं बाबा आश्रम में। बड़े गरीब विद्यार्थी हैं, देखिएगा, नंगे पैर आते थे, देखिए जूता वो नहीं खरीद पाते थे, 200-300 रुपए का जूता, 10-20 रुपए की कॉपी तो खरीद लेते हैं। तो हम लोग लगभग बहुत सालों से वहाँ जूता देते हैं, आजकल 237 बच्चों को वहाँ जूता दिया जाएगा, कंप्यूटर, दोनों ही कार्यक्रम को जो हमारे गणेश भाई साहब ने 1 लाख रुपए का मोटा मोटी उन्होंने सहयोग किया है, अकेले उन्होंने 1 लाख रुपए दिया है। तो गणेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बड़ा कार्यक्रम हमने अकेले स्पॉन्सर किया है। और इसी के साथ जो है मैं छोटा सा धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं एक अनाउंसमेंट और है, हम एक अनाउंस करना भूल गए। पहले सार्जेंट एट आर्म्स मैंने वेल ड्रेस देखे किसी भी क्लब में, अगले साल की बुकिंग हम लोग की हो गई है। और मैं आप लोगों को अभी से मैं बताता हूँ कि 21 तारीख को मैं अनुरोध करूंगा, हमारे सचिव जी ने बोल दिया है, अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुंचेंगे होटल सूर्या में। मैं पिछले साल मंडल सचिव जरूर था, लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे मंडल अध्यक्ष को प्रभावित कुछ क्लब ने किया है तो उसमें वाराणसी नॉर्थ भी था। तो अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए, हम लोग गाड़ी भर के वहां से अवार्ड लेके आएंगे और अगले साल तो हम लोग लेके जाएंगे। धन्यवाद। 3 जगह हम लोगों की ट्रेनिंग हुई गेट्स की, केवल वहीं देखने को मिला। ये हमारे अध्यक्ष जी की परिकल्पना थी, इन्होंने जो अच्छा एवरीथिंग इज डॉक्यूमेंटेड इन रोटरी बुक्स, दैट इज द ब्यूटी, दे रेड एंड इंप्लीमेंटेड। धन्यवाद ज्ञापन के लिए। आगामी वर्ग के हमारे अध्यक्ष निर्वाचित डॉक्टर रोहित गुप्ता जी, इसमें अनुरोध करूंगा आए और धन्यवाद ज्ञापन करें। आप लोग अपना घड़ी मिला सकते हैं, हम लोगों ने 11 से लेकर 1:15 का टाइम निर्धारित किया था और 1-2 मिनट में हमारा कार्यक्रम समाप्ति हो जाएगा। धन्यवाद ज्ञापन के लिए। सर्वप्रथम हम हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के और प्रथम लेडी ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंचन भाभी, हमारे पीडीजी हरिमोहन शाह जी, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी दीपक अस्थाना जी, अन क्लब से पधारे अन पधारीगण क्लब के सदस्यगण जिन्होंने सफल संचालन के लिए क्लब अन क्लब से पधारे अन पधारीगण क्लब के सदस्य सफल संचालन के लिए क्लब ट्रेनर श्री अतुल जसवाल जी, हमारे क्लब के प्रेसिडेंट श्री सतीश जैन जी जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से आज का सफल आयोजन व्यवस्थित ढंग से गवर्नर विजिट का संचालन किया, इस आयोजन स्थल को सुचारित रूप से व्यवस्थित करने के लिए राजेश जी तथा रोटरी क्लब नॉर्थ के सदस्य तरुषी प्रखर जिन्होंने इतना अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया, अंत में सभी का तहे दिल से आभार व धन्यवाद कि जिन्होंने इस मीटिंग को सफल बनाया। धन्यवाद। आज का समय कैसे बीत गया शायद हम लोग को पता भी नहीं चला, बहुत सारी बातें कहने सुनने की है, अभी आगे के कार्यक्रम बाकी है। मैं अध्यक्ष सतीश चंद जैन जी से मैं निवेदन करता हूँ,
कि अब आप कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करें, ऑफिशियल कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, इसके बाद स्वल्पाहार का कार्यक्रम है, आप लोग से अनुरोध है कि स्वल्पाहार लेके ही आप इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करते हैं। नीचे रिफ्रेशमेंट है, उसके बाद हम लोग तुरंत बाबा आश्रम पड़ाव पे चले। थैंक यू वेरी मच।